7 बज चुके हैं, अब हम इस बैच को फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैच जो हमारा है, एक बार इस बैच के बारे में ओवरव्यू बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या ओवरव्यू है, ठीक है ना, क्या क्या सारी चीजें इस बैच के अंदर होंगी, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। जो भी अनम्यूट है अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है टीम से। जो इस बैच के अंदर फुल कोर्स लेकर आए हैं, तो इस फुल कोर्स की अभी जो फीस चल रही है 4950 पे कर आए हैं, ठीक है। इस बैच के अंदर क्या होगा, ये एवरी सैटरडे होगा शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। टाइम सब्जेक्ट टू चेंज है कि हो सकता है कि मान लो मेंबर्स को ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा मेंबर्स को दिक्कत है तो टाइम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, दिन वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं, लेकिन जर्नली टाइम ये रखा गया है सब लोगों की सहमति के द्वारा। इस कोर्स के अंदर बात करेंगे ये सारे टॉपिक्स की, जिसमें हम इनकम टैक्स का बेसिक बताएंगे, इनकम टैक्स की थ्योरी बताएंगे, आरओसी की फाइलिंग होगी, ठीक है, टीडीएस के प्रोविजन होंगे, रिटर्न फाइल करना बताएंगे, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना बताएंगे, और इसमें हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो हमने यहाँ ना लिखी हो और हमें लगता है वो आपके लिए जरूरी होगी, ठीक है, वो चीजें भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कोर्स ये हमारा चलेगा, देखते हैं कितने घंटे ये कोर्स चलता है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो लोग सिंगल क्लास लेकर आए हैं, जो लोग सिंगल क्लास लेकर आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आप अपने आप को फुल कोर्स में कन्वर्ट करा लें, क्योंकि आज के टॉपिक में ये सारी चीजें कवर है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि कितनी चीजें हम कंप्लीट कर पाए कितनी ना कर पाए, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करेंगे। मेरा जो कोर फोकस है, माय कोर एरिया इज जीएसटी, लेकिन जब मैं आपको इनकम टैक्स, बैलेंस शीट, आरओसी कुछ चीजें पढ़ाऊंगा, कुछ क्लासेस, तो आपको सेटिस्फेक्शन पूरा मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप अगर ये समझो कि भाई मैं एक एक चीज यहाँ पर सेक्शन वाइज आपको कराऊं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक समुन्दर है, तो इस समुन्दर में से हमें अपने काम के मोतिया निकालने हैं। तो जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ जुड़े हैं, जो एडवोकेट जुड़े हुए हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं, उन्हें 20-25 सालों का एक्सपीरियंस होगा, तो अगर मैं कुछ गड़बड़ बताऊं, कुछ गलत बताऊं, तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं जर्नली इनकम टैक्स नहीं पढ़ाता, लोगों की डिमांड के ऊपर ये बैच शुरू करा है, तो इस बैच को प्लीज एक्सेप्ट कर लेना आप लोग। पता चला कि मैं भाग जाऊं बैच छोड़ छाड़ के, ऐसा मत कराना, ठीक है। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ चीजें मैं ऐसी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, जो कि आपको लगेगा कि यार ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। कैसे, बात करते हैं कुछ चीजों से। सर क्या चीजें आप बताने वाले हैं? तो जब भी हम बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखा रहा हूं, ठीक है। ये जो बैलेंस शीट आज फाइनलाइजेशन की बात है, तो बैलेंस शीट आपको पता है, चाहे इंडिविजुअल की बैलेंस शीट हो, ठीक है ना जी, चाहे इंडिविजुअल की बैलेंस शीट हो, चाहे कंपनी की बैलेंस शीट हो, ठीक है ना, चाहे पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट हो, ये जितने भी लोग हैं इनकी बैलेंस शीट आप लोगों ने प्रिपेयर करी होगी। सर किन किन की बैलेंस शीट प्रिपेयर करी होगी आपने? मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, हाँ स्क्रीन आपको विजिबल है, ठीक है। तो स्क्रीन जो आपको ये विजिबल है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग, हाँ विद प्रैक्टिकल बात करेंगे सर, ठीक है ना। 7:30 का टाइम कर दो प्लीज भाई, अभी आज 7:30 का नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास भी यही रहेगी, बाद में देखते हैं कुछ कर सकते हैं तो 7:30 का, ठीक है। ऑफिस से स्टाफ चला जाएगा, तो पता चला मुझे अकेले को कोई पीट कर चला गया, ठीक है, तो ऑफिस में स्टाफ भी तो होना चाहिए यार, ठीक है, ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसा कि मेरा मानना है कि जितने भी लोग रहते हैं 90% बैलेंस शीट आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की फाइनल करते हैं, ठीक है। अगर मैं HUF की बात करूं, तो HUF की बैलेंस शीट आपके पास 1% लोगों की होगी, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट 2% लोगों की होगी, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं AOP, ठीक है, BOI या रेजिडेंशियल वेलफेयर, इन सब की बैलेंस शीट 1% लोगों की होगी। अगर मैं बाकी बैलेंस शीट करूं, वो भी 1% होगी, और 4-5% आपके पास जो बैलेंस शीट होंगी वो कंपनी की होगी। ऐसा ही रेशियो आपके पास है या इससे कुछ ज्यादा चेंजेज रेशियो है, ठीक है, ये आप मुझे बताइए कि ज्यादातर बैलेंस शीट आप किन लोगों की फाइनल करते हैं, मुझे एक आइडिया बताइए। यस सर एग्जैक्ट यही हमारा रेशियो है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ कंपनी में काम करता हो सकता है कोई सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट फाइनल करता हो, ठीक है ना। तो
तो ज्यादातर लोगों की सोल प्रोप्राइटरशिप है। ये ऐसा होता है कि जो व्यक्ति छोटे शहर में रह रहा है, मान लो यूपी का होगा, बिहार का होगा, ठीक है, हरियाणा का छोटा होगा, ठीक है, हाँ लगभग यही रेशियो जनरली रहता है। तो हम इस सेशन में क्या बात करेंगे, हम जब ये सेशंस ले रहे होंगे बैलेंस शीट्स का, तो हम इसी परसेंटेज को ध्यान में रखेंगे और उतना ही फोकस हम यहाँ पर करेंगे। हाँ सर, इंडिविजुअल की ज्यादा है, सब लोगों का यही है, जिसका रेशियो अलग होगा। अब आप एक चीज समझो कि अगर एचयूएफ की बैलेंस शीट है तो हम एचयूएफ पे महारत हासिल नहीं कर रहे, क्योंकि 1% है। हाँ लेकिन सीखेंगे जरूर कि अगर बैलेंस शीट अगर आ जाए तो कैसे बनाए कैसे नहीं। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की, तो हमारे को जो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में जो सबसे एक्सपर्ट माना जाता है कि भाई बैलेंस शीट का अगर किसी का काम है और वो सबसे एक्सपर्ट है, तो कुछ चीजों को अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है, उसे सबसे एक्सपर्ट माना जाता है सीए को, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बैलेंस शीट एक्सपर्ट है। और बैलेंस शीट के ऊपर जो साइन की बात करी गई है कि भाई चाहे अगर बैलेंस शीट को सर्टिफाई कराना है तो वो भी सीए के साइन की बात करी गई है, अगर एक सर्टेन परसेंटेज के बाद, सर्टेन टर्नओवर के बाद, ठीक है ना, सीए को बोला गया है कि आप ऑडिट करके बैलेंस शीट साइन करो। अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, अगर कोई कंपनीज है तो कंपनीज एक्ट में भी क्या बोला गया है कि भाई आप सीए से बैलेंस शीट को साइन करा कर लाओ। तो यहां पर जो बोलबाला रहता है वो सीए का रहता है। लेकिन मजे की बात देखो, आज का जो सेशन अटेंड कर रहे हैं उसमें सीए है तीन, सीए दो या तीन है, बाकी मतलब कि 90% लोग एडवोकेट्स और अकाउंटेंट है। तो भाई तुम यहां क्या कर रहे हो, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन तो सीए को सीखनी होती है, तो तुम यहां क्या कर रहे हो। तो भाई ये कहते हैं कि सर हम सीए तो नहीं बने लेकिन हम सीए से बहुत बड़े वाले सीए हैं। मैंने कहा क्या मतलब, ये कह रहे हैं सर क्लाइंट की बैलेंस शीट हम ही बनाते हैं, सब कुछ हम ही करते हैं, जब साइन कराने होते हैं जब सीए साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं सीए साहब साइन कर दो, ठप्पा लगा दो, ठीक है, तो सीए साहब हमारे साइन कर देते। अच्छा आपने एक चीज नोट करी होगी, कुछ सीए ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से आपकी बैलेंस शीट को चेक करते होंगे, कुछ ऐसे होते होंगे अरे वकील साहब तुम लिया है सब सही कराओगे साइन करा लो, तो कुछ सीए साइन ऐसे भी कर देते होंगे। हम किसी बात पर नहीं जा रहे, तो जो ये 90% लोग यहां पर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनका पर्पज क्या है इस सेशन को अटेंड करने का। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग वो जितने भी अकाउंटेंट एडवोकेट्स है वो ये चाहते हैं कि बैलेंस शीट जब हम अपनी बनाकर लेकर जाएं, जब भी कभी हम अपनी बैलेंस शीट बनाकर लेकर जाएं तो सीए साहब हमारे ना साइन कर दे, बस हम क्लाइंट के साइन करा ले, सीए साहब साइन कर दे और कुछ गलती ज्यादा ना निकाले, ना ही हमें डांटे। जो अकाउंटेंट्स लेवल का व्यक्ति होगा उसे पता होगा कि जब सीए साहब के पास बैलेंस शीट लेकर जाते हैं तो वो डांटते बहुत है, अरे भाई तुमने ये नहीं देखा, तुमने वो नहीं देखा, ठीक है ना। अब जैसे ये हमारी पार्टनर है मैडम सीए सुमन लता गुप्ता जी, ये बड़ा डांटती है कि भाई तुम्हें ये लाना चाहिए था, वो लाना चाहिए था। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो अकाउंटेंट्स या प्रोफेशनल्स होते हैं उस बात को ना अपनी तोहीन मान लेते हैं कि भाई सीए साहब ने गलती कैसे निकाल दी, एडवोकेट साहब बुरा मान जाते हैं। यहां पर बुरा नहीं मान, अगर कोई सीए आपकी बैलेंस शीट्स में गलतियां निकाल रहा है, ठीक कर रहा है, उसमें तीन आदमियों का भला है भाई, उसमें तीन आदमियों का भला है। सर किस किस का भला है भाई, एक तो आपके क्लाइंट का भला है क्योंकि उसकी गलतियां ठीक हो रही है, पैसे उतने ही लग रहे साइन कराने के लेकिन गलतियां ठीक हो रही है। एक जो कंसल्टेंट है, चाहे वो अकाउंटेंट है चाहे एडवोकेट है, उसका भला है क्योंकि अगर उस बैलेंस शीट में कुछ गलती रह गई और सीए साहब ने वो चेक नहीं करी तो कल को दिक्कत उसे ही आनी है, क्योंकि क्लाइंट किसे जानता है, आपको जानता है। तीसरा जो भला है वो उस सीए साहब का है, तो ये बाद में सीए साहब का भला है। तो अगर कोई सीए आपकी बैलेंस शीट में कुछ गलतियां निकालता है और उसे कहता है ठीक कर लो या ज्यादा पेपर मांगता है, हमेशा उसी सीए के पास अपनी बैलेंस शीट को लेकर जाना, पहली चीज आप अपने मन में चीज बांध लो। आपको पता है मैं कोई बैलेंस शीट साइन नहीं करता लेकिन मैं अपनी बैलेंस शीट एक ऐसे सीए से साइन कराता हूं जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को मांगता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को चेक करता है।
मेरे पास ऐसे व्यक्ति भी होंगे, मैं अरुण अग्रवाल जी के पास आऊं और मैं कहूं अरुण अग्रवाल जी ये मेरी बैलेंस शीट है कंपनी की, साइन कर दे, तो हो सकता है वो शर्मा शर्मी साइन कर दे, फीस तो ले ले लेकिन ज्यादा चेक ना करे, लेकिन मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। तो पहले इस चीज को हमें समझना है कि अगर कोई व्यक्ति बैलेंस शीट में समय लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, ठीक है ना, तो वो बहुत सही बंदा है, आपको उसी से बैलेंस शीट साइन करानी चाहिए। लेकिन अब होता क्या है कि क्लाइंट इतनी फीस नहीं देता, क्लाइंट से आप फीस ले रहे हो 5,000, 10,000 या आपने पूरे साल का पैकेज ले लिया है, तो जब आप इतनी कम फीस ले लेते हो तो फिर सीए को आप कम फीस देते हो तो वो चेक भी नहीं करता। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी हो जाती है वो कंसल्टेंट पर आ जाती है कि तुम ही सारी चीजें चेक कर लो भाई, क्योंकि जितनी फीस तुम सीए साहब को दे रहे हो उसमें वो कहता है मैं चेक नहीं करूंगा, और कुछ गड़बड़ हुई तो देख लेंगे। तो कुछ कंसल्टेंट ने तो अपनी इमेज ऐसी बना रखी है कि उनकी बैलेंस शीट को वो ज्यादातर चेक नहीं करते और उनपे फेथ करके कर देते हैं। तो यहां पर जो आपको उसका फेथ कंटिन्यू करना है सीए साहब का, ये जिम्मेदारी आपकी है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जो 90% यहाँ पर लोग आए हैं वो अकाउंटेंट और कंसल्टेंट है, एडवोकेट है, ना कि सीए। एग्री कर रहे हो मेरी बात से या नहीं? बोलो जी, आप इस बात से एग्री कर रहे हो या नहीं? ठीक है। अरे संदीप जी लेट गए तुम तो, कोई मूवी चल रही है क्या भैया? बैठ जाओ, अगर लेटे कोई ज्यादा दिक्कत ना हो तो। हाँ संदीप जी, संदीप पटानी जी, ठीक है, हाँ एग्री। तो अब हम उसी पर्पज के हिसाब से बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक है, कि बैलेंस शीट में क्या चीज देखनी है क्या चीज नहीं। अब कई कई बार जब मैं तुम्हें बैलेंस शीट बनवा रहा हूंगा, बैलेंस शीट के बारे में बता रहा हूंगा, तो आपको लगेगा ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है, ये चीज मैंडेटरी नहीं है, ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है, ये चीज मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अभी गर्मियां शुरू हो गई है सर, तो गर्मियों में शर्ट के नीचे कितने लोग ऐसे हैं जो बनियान पहनते हैं, कितने लोग ऐसे बनियान पहनते हैं जो बोलिए, कितने लोग पहनते हैं? अरे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, कितने लोग शर्ट के नीचे बनियान पहनते हैं? सर सब लोग पहनते हैं ज्यादातर। क्या वो मैंडेटरी है क्या बनियान पहनना? अरे नहीं सर, गर्मी आ जाती है ना, पसीने आ जाते हैं, तो वो पहनकर थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंडेटरी तो नहीं है ना, भगवान ने लिख के तो नहीं दे दिया ना कि ये तुम पहनो। अब ये मैंने शर्ट के ऊपर ये कोटी डाली हुई है, कोई मैंडेटरी है क्या मुझे पहननी? नहीं मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन जब कोटी पहनकर आपको पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और जो जो चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम कहोगे सर ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें तुम करोगे तो वो बैलेंस शीट अच्छी लगेगी। आप मेरी बात को समझे? लेकिन तुम लोग करते क्या हो? सेशन तो अटेंड कर लिया है आज, सेशन अटेंड कर लिया है आज, लेकिन बैलेंस शीट बनाओगे सितंबर अक्टूबर में जाके, तब तक भूल ही जाओगे। ऐसा मत करना, अगर सेशन आज अटेंड करा है तो आज से ही बैलेंस शीट बनानी शुरू कर देना, ठीक है ना, आज से ही बैलेंस शीट बनानी शुरू कर देना, क्योंकि जितने समय पहले आप चीजों को बनाओगे वो चीजें उतनी अच्छी बनेगी। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए जो हमारा, ठीक है, सीए इंस्टीट्यूट है, उसने क्या करा, बड़ी मेहनत से एक गाइडेंस नोट इशू करा पिछले साल जून 2022 में, एक गाइडेंस नोट इशू करा, कहा कि भाई जब आप बैलेंस शीट बनाओ, किसकी बैलेंस शीट बनाओ, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की, किसकी बैलेंस शीट बनाओ, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का मतलब कौन सा हो गया भाई? चाहे इंडिविजुअल की बनाओ, चाहे एचयूएफ की बनाओ, चाहे पार्टनरशिप फर्म की बनाओ, कंपनी को हम यहाँ छोड़ दे रहे। तो अगर आप नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की कोई भी बैलेंस शीट बनाते हो तो इस टेक्निकल गाइड को फॉलो कर लेना। अब जब मैंने पिछले साल जब ये जून में ये आया तो मेरे को कई लोगों ने बोला सर इस साल नहीं अगले साल बनाएंगे, अब वो अगले साल भी आ गया। अब जब मैं कहूंगा कि इस साल इसके हिसाब से बैलेंस शीट बना लो, फिर कहेंगे मैंडेटरी थोड़ी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि तुमने कोई बैलेंस शीट बना दी, सीए साहब ने साइन भी कर दी, समझ रहे हो, और उसके बाद बैंक में चली गई वो बैलेंस शीट, लोन वोन लेने लग गए, और कल को हो सकता है तुम्हारा क्लाइंट का लोन रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि वो कह दे कि ये जो बैलेंस शीट है
कि वो सीए इंस्टीट्यूट का जो गाइडेंस नोट है उसके हिसाब से नहीं बनी हुई है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर सबसे बड़ा जो माना जा रहा है वो सीए इंस्टीट्यूट को माना जा रहा है इंडिया के अंदर, और उसने कोई गाइडेंस नोट दिया, टेक्निकल गाइड दी कि इसके हिसाब से बैलेंस शीट बना लो, तुमने कहा नहीं भाई साहब नहीं बना रहे, सीए साहब ने भी ध्यान नहीं दिया, साइन कर दी। तो यहां पर किसकी गलती होगी? अगर ये बैलेंस शीट रिजेक्ट कर देता है कोई बैंक, तो उसका लोन था 50 लाख का, 1 करोड़ का, क्या तुम पहले वहां आर्ग्यूमेंट करोगे या तुम उस समय अफसोस ये करोगे? क्लाइंट किसे बोलेगा पहले बताओ? आप लोगों को बोलेगा, सीए को बोलेगा, जो कंसल्टेंट मेरे साथ जुड़े हुए किसे बोलेगा? ठीक है ना, बोलो फटाफट मुझे, क्लाइंट किसे दोषी ठहराएगा? भाई क्लाइंट आपको दोषी ठहराएगा। अब आप अगर ये बैलेंस शीट बनाकर ले जाते हो, और अगर सीए साहब कहते हैं भाई मुझे नहीं समझ आ रही है बैलेंस शीट, ये कौन से फॉर्मेट उठा के ले आया तू, तो आप कह दोगे सर आप ही के तो इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट है, उसी ने तो बोला है, तो मैं तो इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनवाऊंगा और मैं तो इसी में बनाऊंगा, इसी में साइन कराऊंगा। तो ये बैलेंस शीट जब नए फॉर्मेट्स में आप बनाओ तो आप उसे, ठीक है ना, टाइम से पहले बना लेना। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये जो मेरी बैलेंस शीट है, ये सीएस एंटरप्राइजेज की, ये किसकी बैलेंस शीट है? प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट है या नहीं है भाई? बोलो, प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट है। लेकिन जब आप इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखोगे तो तुम्हें ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट लगेगा, ये किस तरह का फॉर्मेट लग रहा है तुम्हारे को? ये लग रहा है कि सर ये तो कंपनी वाला फॉर्मेट है। अरे पागल हो गए हो सर, प्रोप्राइटरशिप में ये वाला फॉर्मेट चलता है क्या? प्रोप्राइटरशिप में तो ऐसे वाला फॉर्मेट चलता है, ठीक है, इधर असेट्स लिख देते हैं, इधर लाइबिलिटीज लिख देते हैं, काम खत्म। तो भाई मैं क्या पागल हूं कि मैं इस बैलेंस शीट में इस फॉर्मेट में बना रहा हूं? अगर मैं उस बैलेंस शीट को इस फॉर्मेट में बनाऊंगा तो समय ज्यादा लगेगा, समय हो सकता है आधा घंटा ज्यादा लगे, 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे। सर क्लाइंट पैसे ही नहीं देता, तुम्हें नहीं देता। मेरे पास जब ये क्लाइंट उठकर आया, उसने कहा साहब कितने पैसे लोगे बैलेंस शीट बनाने के? मैंने कहा मैं तो 20,000 लूंगा, 15,000 लूंगा। वो कहता वो तो 5 में बना था। मैंने कहा दिखा किस फॉर्मेट में बनाई है? उसने दिखाया कि सर उसने तो ये इस वाले फॉर्मेट में बनाई। मैंने कहा गलत है, कभी भी बैंक लोन रिजेक्ट कर देगा। कह रहा सर कैसे गलत है, उसने बात कराई मेरी सीए से। मैंने कहा सब सर जब आईसीआई ने गाइडलाइंस जारी करी हुई तो उसके हिसाब से क्यों नहीं बनाई? तो मैंने उसे गाइडलाइंस मेल कर दी सीए को। अब क्लाइंट के मन में तो डाउट आ ही गया ना कि मैं पंगे में क्यों जाऊं, तो क्लाइंट ने उस सीए को छोड़ के मेरे से ये बैलेंस शीट बनवा ली। तो यहां से अगर आप एडवांस वर्जन में चलते हो तो आपको क्लाइंट फायदा देता है। आप खुद ही समझो, आप कोई लैपटॉप लेकर लेने जा रहे हो दुकान में, और एक लैपटॉप है 20,000 रुपए का या 30,000 का, और दुकानदार ने कहा सर ये मॉडल तो पुराना हो गया, नया मॉडल आया 32,000 में, बिल्कुल लेटेस्ट। बताओ तुम कौन सा लैपटॉप खरीदते हो, पुराना वाला या लेटेस्ट वाला? बोलो मुझे चैट बॉक्स में लिख के, बोलो चैट बॉक्स में लिख के। अरे लेटेस्ट वाला खरीदते हैं सर, हम तो मोबाइल भी और वो भी। अरे भाई जब तुम लेटेस्ट वाला खरीदते हो तो क्लाइंट पुरानी बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्यों ले ले तुमसे, और तुम पुरानी में बनाते क्यों? क्योंकि तुम्हें नई में झंझट लगते। अरे तो झंझट से कब तक बचोगे? मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई इस इनकम टैक्स के बैच में जब भी मैं बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की बात करूंगा तो मैं इसी फॉर्मेट की बात करूंगा, चाहे चाहे, ठीक है, इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे HUF हो, कोई भी हो, क्योंकि ये फॉर्मेट किसके लिए भाई साहब? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए ये, और कॉर्पोरेट के लिए हम कंपनी एक्ट वाला करें। क्लियर हुआ? तो अगर कोई व्यक्ति सोच कर आया है कि मैं यहां पर उसे टी वाली बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, लाइबिलिटीज और असेट्स, तो भाई वो आज ही फीस वापस ले ले, मैं वो नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि वो क्या हो चुका है, ठीक है, पुराना मॉडल हो चुका है, तो पुराना मॉडल मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बोलो एग्री कर रहे हो, पुराना पढ़ना है या नया पढ़ना है? बोलो, हाँ जी पुराना पढ़ना है, नया पढ़ना है? हाँ सर न्यू वाला ही पढ़ना है, लेटेस्ट वाला ही पढ़ना है, पुराना तो अपने को आता है। तो जब हम इसकी बात करेंगे, तो जब हम कोई चीज नई होती है तो इसमें ना बड़ी दिक्कत होती है। सर बड़ी दिक्कत क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसका ना लास्ट वाली लाइन पढ़ो,
यहाँ पर जो हमारे चेयरमैन साहब है सीए प्रमोद जैन इंस्टीट्यूट के, वो क्या लिख रहे हैं? वो कहते हैं आई एम श्योर दिस टेक्निकल गाइड वुड बी एनमरस यूज एंड इंटरेस्ट टू द स्टेक होल्डर। कि भाई ये जो हमने गाइड बनाई है ये स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट की है। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहा हूँ द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज टू फॉलो दीज फॉर्मेट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप सर कि आप इसी फॉर्मेट में इन बैलेंस शीट को बनाना। आई ऑल्सो अर्ज अदर स्टेक होल्डर एंड ऑडिटर्स, क्या बोला है जी, एंड ऑडिटर्स ऑफ सच एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एंश्योर दैट दीज फॉर्मेट आर फॉलोड। कि भाई ये वाले फॉर्मेट्स फॉलो होने चाहिए नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में। तो भाई मेरे पास पिछले साल एक व्यक्ति आ गया, ठीक है, वो कहने लग गया कि भाई ये तो जून में आया, बैलेंस शीट तो मार्च में ही बना ली थी मैंने। मैंने कहा फिर मार्च में आता भाई साइन कराने अप्रैल में, अब ये फॉर्मेट आ गया है तो मुझे तो नए फॉर्मेट में चाहिए। अब अकाउंटेंट साहब कह रहे यार तुम तो परेशान कर रहे हो। भाई मैं परेशान नहीं कर रहा था, मैं आपको सिर्फ लेटेस्ट चीजें लेकर जा रहा। तो भाई ये वाली चीज क्लियर हो गई या नहीं बोलो। पहले आप ये आज कसम खाओ कि भाई तुम बैलेंस शीट अब नए फॉर्मेट में बनाओगे, चाहे ये रिकमेंडेड है, ठीक है, चाहे ये मैंडेटरी है, चाहे ये ऑप्शनल है, चाहे क्लाइंट कम फीस दे, चाहे क्लाइंट ज्यादा फीस दे, आप बनाओगे ऐसे। मैं तो कई बार क्लाइंट से ये कहकर फीस ले लेता हूँ कि सर मैंने ना आपकी 2 साल की बैलेंस शीट बनाई है, पिछले साल की भी बनाई है, इस साल की भी बनाई है, दोबारा बनानी पड़ी है मुझे, तो इसलिए मेरी फीस ज्यादा है। जो तुम्हारा सीए है या तुम्हारा कंसल्टेंट है वो 1 साल की बनाता है। तो भाई जब हम इस फॉर्मेट्स की बात करेंगे तो पहली बात इसे समझ लो ये फॉर्मेट्स क्या है, ठीक है। वैसे रिकमेंडेशन है लेकिन मेरी नजरों में मैंडेटरी है इस साल के लिए, तो हम 22-23 की बैलेंस शीट इसी के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है, एग्री कर रहे हो? तो आप थोड़ी सी अपनी कमर पक्की कर लेना। जिन लोगों को टी तरह की बैलेंस शीट बनाने का शौक है भाई वो बनाए जैसे मर्जी बनाए, लेकिन मैं इस फॉर्मेट पर ही रहूंगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जब हम इसकी बात करेंगे कि बैलेंस शीट डिफरेंट डिफरेंट लोगों की, हमने परसेंटेज भी सेट कर ली, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि सर बैलेंस शीट बनाने तो लेंगे, ठीक है, तो मैंने आपको समय बता दिया कि भाई बैलेंस शीट सितंबर अक्टूबर में बनाओ मत, बैलेंस शीट आप आज ही बना लो, आज इस सेशन को करने का पर्पज ही नहीं है। भाई अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट, ठीक है। आज इस सेशन को करने का पर्पज ये है कि बैलेंस शीट से पहले मार्च में बैठे हैं, हालांकि आप लेट हो गए थोड़ा सा, ठीक है, हम भी लेट हो गए कि भाई मार्च में हम क्यों बैठ रहे हैं। हम अपनी इंटरनल बुक्स हर महीने देखते रहते हैं, हर 3 महीने में देखते रहते हैं, लेकिन अगर किसी ने आज भी अपने क्लाइंट्स की बुक्स नहीं देखी उठाकर तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। सर क्या भारी नुकसान हो सकता है? आज हम क्यों बैठे हैं इस चीज को समझ लो। आपको ये पता होगा जो 15 मार्च की डेट है, 15 मार्च की जो डेट है वो लास्ट डेट है एडवांस टैक्स जमा करने की। अगर आप इस डेट को भी एडवांस टैक्स जमा नहीं करोगे, अगर आप इस डेट को भी एडवांस टैक्स जमा नहीं करोगे तो होगा क्या कि आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। एडवांस टैक्स कब जमा करना है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, कितना जमा करना है, कैसे कैलकुलेशन होती है, वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एडवांस टैक्स की जब डेट आ गई, अब 4 मार्च में हम बैठे हुए हैं, तो हमारे को ये चीजें मोटा मोटी पता है कि क्लाइंट की सेल परचेज क्या क्या है, क्या क्या उसके खर्चे हैं, क्या क्या उसे टैक्स देना है। तो अब हम एक बार बैठकर क्लाइंट की बैलेंस शीट्स को ओवरव्यू करते हैं। तो क्लाइंट्स की बैलेंस शीट को जब हम बैठकर ओवरव्यू करेंगे तो क्या क्या चीजें हमारे को चेक करनी है, कैसे हमें चेक करनी है, वो सारा का सारा डिस्कशन हमारा मुद्दा है। तो मैं यहाँ पर अपने क्लाइंट्स की बैलेंस शीट्स आप लोगों के सामने खोलता हूँ, ठीक है, और फिर उसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि हमारे को क्या क्या चीजें देखनी है, ठीक है। रेडी हो? आप लोग भी अपनी बैलेंस शीट्स देख लो, खोल लो। तो मैं यहाँ पर बिजी का डेटा खोल लो, उससे मैटर नहीं करता, बिजी हो, टैली हो, जो हो कुछ भी हो,
अपने को उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर यह करता है कि हमारे को चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कोई टेलीविजी का सॉफ्टवेयर नहीं सिखाने वाला कि मैं कोई टेलीविजी चलाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट कैसे फाइनल आप करोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको ये टैली की स्क्रीन दिख रही होगी। तो हमने मान लो किसी क्लाइंट का डेटा उठा लिया जिसका नाम है शिकोम ओवरसीज, ठीक है। तो शिकोम ओवरसीज का डेटा हमने उठा लिया, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात चल रही है, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का हम डेटा देख रहे हैं, ठीक है। और अब हम इसे फाइनल करेंगे। तो जब भी आप इसे फाइनल करोगे डेटा को, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप्स को नोट डाउन करते रहिएगा, प्लीज स्टेप्स नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर इस क्लाइंट का एक 26AS डाउनलोड कर लेना है टिल डेट। सर अभी 26AS डाउनलोड क्यों करा रहे हो, बता देता हूं। आप चाहे अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में जाके कर लेना, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसका पोर्टल से जाकर 26AS डाउनलोड कर लेना। सर क्यों करा रहे हो 26AS डाउनलोड, देखो मैंने आपको अपने केस में ये क्लाइंट का मैंने क्या करा, इसका 26AS निकाला और ये डाउनलोड कर लिया। तो इसका जब मैं 26AS निकाला, ठीक है, और ये डाउनलोड करा, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इसका 60,000 रुपए एडवांस टैक्स जमा करा रखा है करंट ईयर में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, और असेसमेंट ईयर 23-24 का मैंने 60,000 जमा करा रखा है। और बराबर में मेरे पास कंप्यूटेशन है कि भाई लगभग पिछले साल में इसने 9,00,000-10,00,000 रुपए की इनकम दिखाई थी अपनी, 8,75 की टोटल इनकम थी और 1,05,000 का एडवांस था और 13,000 रुपए रिफंड आया। तो जब भी कभी आप किसी क्लाइंट्स का ये डेटा देख रहे हैं तो सबसे पहले उसकी पिछले साल को एक बार ओवरव्यू कर ले कि पिछले साल में तुमने उसके साथ क्या किया था और इस बार करंट में कितना टैक्स आप एडवांस जमा करा चुके हो। 90% प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो एडवांस टैक्स जमा नहीं कराते और अपने क्लाइंट्स को लेट फीस के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर झोंक देते हैं। एग्री कर रहे हो मेरी बात से नहीं, कितने लोग एडवांस टैक्स जमा कराते हैं मुझे लिख कर बताओ, कितने परसेंट क्लाइंटों में आप जमा कराते हो एडवांस टैक्स और कितनी बार एग्जैक्ट कैलकुलेशन से कराते हो, ठीक है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर हम कराते, कुछ लोग कह रहे हैं हम नहीं कराते, तो जो लोग नहीं कराते वो पता है क्यों नहीं कराते, उनकी गलती नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है एडवांस टैक्स कैसे जमा होगा, कितना जमा होगा, क्यों जमा होगा, नहीं जमा हुआ तो क्या होगा। लेकिन आप, ठीक है ना, लेकिन आप मेरी बात मानो, एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छा प्रोफेशनल वो है जो अपने क्लाइंट्स के साथ हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने में बैठता हो, क्योंकि जितना पैसा आप क्लाइंट को बचाकर दोगे, ठीक है ना, जितना पैसा आप क्लाइंट को बचाकर दोगे उतना आपका बेनिफिट है। अजीत जी कहते हैं कि सर क्लाइंट एडवांस टैक्स जमा नहीं करता, अगर जिस दिन तुमने उसे उसका फायदा बता दिया कि एडवांस टैक्स जमा करने का क्या फायदा है तो वो हमेशा जमा करेगा, पहली चीज आप समझो। वो जमा इसलिए नहीं करता क्योंकि तुम उसे उसका फायदा ही नहीं बताते, जिस दिन तुमने उसे उसका फायदा बताया तो वो एडवांस टैक्स हमेशा जमा करेगा, मेरा क्लाइंट जमा करके बैठा है। तो यहाँ पर पीछे की बैलेंस शीट से मुझे एक आइडिया लग गया कि भाई ये व्यक्ति का 1,00,000 रुपए का लगभग टैक्स ये जमा करता है, 10,00,000 की इनकम दिखाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं साथ की साथ इसकी फाइल और निकाल लूंगा कि पिछले साल का इसका एक्सपेक्टेड चीजें क्या थी, ये पिछले साल की एक्सपेक्टेड चीजें क्या थी, मैं साथ में ये भी निकाल के रख लूंगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपको पिछले साल में, ठीक है ना जी, पिछले साल में क्या उस क्लाइंट की बैलेंस शीट कह रही थी वो आपको देखना है। तो पहले बैलेंस शीट पढ़ना सीख लो कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ी जाती है। ये 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट पढ़ रहा हूं मैं, तो यहाँ पर देख रहे हो कि इसकी जो बैलेंस शीट है ये लगभग, तो बैलेंस शीट अगर मैं इसकी देखूं तो इसका ओनर्स कैपिटल जो था वो 35,00,000 का था। ओनर्स कैपिटल का मतलब जो प्रोप्राइटर की कैपिटल होती है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो लगभग 35,00,000 का था। इसने जो लोन ले रखे हैं वो लगभग 33,00,000 के ले रखे हैं। इसे जो ट्रेड पेबल्स देने हैं, मतलब कि जो क्रेडिटर्स होते हैं उसकी पेमेंट करनी है, वो 25,00,000 की है।
उसके अलावा कुछ और करंट लाइबिलिटीज है जो लगभग 27 लाख की है, तो इसकी 1.25 करोड़ की बैलेंस शीट बनती है। इसके अलावा असेट्स में चलने तो 19 लाख की इसकी फिक्स असेट्स है और 10 लाख रुपए की इसकी नॉन करंट असेट्स है, ठीक है ना जी। और इसके पास जो स्टॉक है वो लगभग 50 लाख रुपए का है और मार्केट से इसे 6.5 लाख रुपए लेने हैं और कैश और बैंक में 9 लाख बैलेंस है और अदर करंट असेट 26 लाख रुपए की है। तो बैलेंस शीट हमने इसकी रीड कर ली कि भाई पिछली बार इसकी लगभग ये बैलेंस शीट थी, ठीक है। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा रीड करें तो हमें पता है कि 2.71 करोड़ की इसकी लगभग सेल थी और 9 लाख 10 लाख रुपए का इसने प्रॉफिट दिखाया था। मोटा मोटी हमने ये चीज चेक कर ली, ठीक है। हमने 26 एस में चेक कर लिया कि इसका एडवांस टैक्स कितना जमा है और कोई किसी ने टीडीएस वीडीएस तो नहीं काटा, ये भी हमने चेक कर ली। अब हम इसके डेटा पर जा रहे हैं कि करंट ईयर का डेटा क्या है। तो जब हम इसके करंट ईयर के डेटा पर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका करंट ईयर का डेटा कैसे चेक करना है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास पिछली बार नहीं था तो उसका डेटा चेक करने से पहले उसकी बैलेंस शीट मंगा ले, उसका इनकम टैक्स का यूजर आईडी पासवर्ड मंगा ले, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको डेटा के पास चलना है। तो हम डेटा को के पास जा रहे हैं कि डेटा क्या कहता है इसका। हाँ जी, जब इसका डेटा के पास गए तो हमने बैलेंस शीट में गए और बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने डिस्प्ले कराई। ये डेटा फाइनल नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, हम इस डेटा को फाइनल करने जा रहे हैं। इसके अंदर लेजर की स्क्रूटनी, ठीक है, वो सारी चीजें। तो कभी भी जब आप बैलेंस शीट को फाइनल करने जाओ तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस में मत जाना, पहले जाना बैलेंस शीट्स में। सर क्यों पहले प्रॉफिट एंड लॉस कराते थे हम, तो पहले फाइनल फिर बैलेंस शीट कराते थे। भाई मैंने क्या बोला, वो बचपन में जब हम किताबों में पढ़ते थे तो पहले P&L जाते थे फिर बैलेंस शीट जाते थे, ठीक है ना। अब की ऐसे नहीं करना, अभी आप प्रैक्टिकली पहले बैलेंस शीट पर आओगे। तो आपने यहाँ पर बैलेंस शीट डाल दी, 1 मार्च तक की हमने बैलेंस शीट डाल दी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सबसे पहली कमी है, तो सबसे पहली कमी है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस। पहली कमी क्या निकल कर आ रही है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस। आप इसे नोट करिए कि ये डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस क्या है। भाई डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस क्या है कि जब हम बिजी के अंदर इसका काम कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, तो बिजी के अंदर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल, ठीक है, इस चीज को समझिएगा कि 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है, हमने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस डाले होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि ये मान लो मैंने फिक्स असेट्स है, तो मैंने इसका जो बैलेंस डाला होगा, ठीक है, यहां पर मैंने जैसे लेट सपोज मान लो मेरा मोबाइल फोन का बैलेंस है, तो मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस यहां पर फीड कर रखा है 1,53,440 और बैलेंस शीट में भी जो 31 मार्च 2022 बैलेंस 22 की बैलेंस शीट फाइनल करी वहां पर भी बैलेंस मेरा आ रहा होगा कुछ ना कुछ। तो जब मैंने बैलेंस शीट से यहां पर इसके बैलेंस ट्रांसफर करे तो वो जो बैलेंस मैंने ट्रांसफर करे उसमें कुछ गड़बड़ करी हुई है, या तो लायबिलिटी के बैलेंस में कुछ गड़बड़ करी हुई है या असेट्स के बैलेंस में कुछ गड़बड़ करी हुई है ट्रांसफर करने में। कहां से ट्रांसफर करने में, जो आपकी 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट है। तो इस वजह से यहां पर ये डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस वाले, ठीक है ना, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस वाली चीज को शॉर्ट आउट करना है। आपको पहले अपने ओपनिंग बैलेंस ओके करने हैं। तो फर्स्ट थिंग आप नोट कीजिए कि ओपनिंग बैलेंस शुड बी टैलीड, ओपनिंग बैलेंस शुड बी टैली विद योर प्रीवियस फाइनल बैलेंस शीट और योर इनकम टैक्स रिटर्न। जो भी आपकी चीजें हैं जिससे भी आप बैलेंस मैच कर रहे हैं वो वहां से मैच होना चाहिए। डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो बैलेंस शीट फाइनल हुई होगी, जो साइन करी है बैलेंस शीट, उसमें बैलेंस डला होगा, ठीक है। तो आप जैसा उसमें बैलेंस डाला है वो डाल दे, लेकिन ये कोई मजाक काम नहीं होता कि भाई आपने बैलेंस डाला है और वो बैलेंस शीट मैच हो जाए। सर क्यों नहीं है, तो हम तो हमारी तो हर कोई होती है। अगर कोई बैलेंस शीट टेढ़ी बैलेंस शीट है तो उसके ओपनिंग बैलेंसेज में आप जब
अमाउंट डालोगे बड़ा गड़बड़ आएगा। सर टेढ़ी बैलेंस शीट किसे कहते हैं? टेढ़ी बैलेंस शीट क्या है कि जो डेटर्स का बैलेंस है, डेटर्स का बैलेंस आना चाहिए डेबिट में, आ रहा है क्रेडिट में। आईटीसी के लेजर उल्टे सीधे हैं, लास्ट डेट पर आया था ऐसे ही बैलेंस शीट बना दी, लेकिन अब आपको वो बैलेंस सही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया ओपनिंग बैलेंसेस। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, साथ के साथ बोलते रहना यार मुझे। यस सर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। चलो यस सर। तो ओपनिंग बैलेंसेस क्लियर है, और अगर किसी को हैंड्स ऑन करना होगा, कोई कहे कि सर मेरे पास तो कोई बैलेंस शीट ही नहीं है, क्लाइंट ही नहीं है, तो भाई लक्ष्मी नगर मेरे ऑफिस में आ जाना, तुम्हें फिजिकल बैलेंस शीट दे दूंगा और ये क्लाइंट दे दूंगा, कहूंगा मिला ओपनिंग बैलेंस, और उसकी रेल बन जाएगी इसे मिलाने में। ठीक है, मेरे जो टीम के अकाउंटेंट्स हैं यहाँ पर, उनकी रेल बनी हुई है, इसके ओपनिंग बैलेंस ही नहीं मिला पा रहे वो। ठीक है ना, तो मेरे को समय नहीं मिल रहा कि मैं इसे मिला कर दूं, लेकिन मिल नहीं पा रहे इनसे बैलेंस। ठीक है, तो सर हम कैसे मिला पाएंगे? सर लास्ट ईयर जो 44 एडी में हुआ है, बट इस ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, थोड़ा उस पे भी फोकस कर देते हैं। हां बिल्कुल बिल्कुल, उस पे भी फोकस करूंगा। देखो लेकिन तुम लोग क्या करते हो ना, तुम्हें जल्दी ज्यादा होती है ना। अब ये देखो एक बैलेंस शीट मैंने तुम्हारे लिए भी रखी है, ये देख रहे हो वाली बैलेंस शीट। अभी एक स्क्रीन चल रही है ना, मैं दूसरी दिखाना नहीं चाह रहा, नहीं तो बार बार स्क्रीन स्विच करनी पड़ती है मुझे। एक बैलेंस शीट ऐसी रखी है जिसमें, सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, यहीं से समझाओ प्लीज। ठीक है, तो 44 एडी वाली जो बैलेंस शीट है भाई, 44 एडी, अब कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि जो कठिन सेक्शन है, कई लोगों को नहीं पता होंगे, कई को पता होंगे, 44 एडी एक ऐसा सेक्शन है जो अकाउंटेंट्स को, एडवोकेट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत पसंद आता है। मेरा बचपन से पसंद आने वाला सेक्शन है ये। जब मैंने 2014 में प्रैक्टिस शुरू करी और लास्ट डेट थी, ठीक है ना, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, सबकी रिटर्न उठा के 44 एडी में भर दी। जिसने 1000 रुपए दिए, जिसने 2000 रुपए दिए, भरो 44 एडी में, चार फिगर डालो, काम खत्म करो। लेकिन अगर तुम 44 एडी में रिटर्न ने भर रहे हो, तो पहले ये चेक कर लेना कि क्या वो 44 एडी में जानी भी चाहिए थी या नहीं। उसके लिए आराम से डिस्कस करेंगे, हमारे सीए गोविंद सिंगला जी है, वो इस सेशन को लेंगे। ठीक है ना जी, कि 44 एडी जाना भी चाहिए था नहीं। चलो तुमने 44 एडी में भर दी, अरे 44 एडी भी ये कहता है कि तुम 5-10 फिगर तो भरोगे, तुम टर्नओवर तो बताओगे कितनी है, तुम ये तो बताओगे स्टॉक कितना है, डेटर कितना है, क्रेडिटर कितना है, कैश और बैंक बैलेंस में कितना है। तो अगर तुमने वो फिगरे डाली है 44 एडी की रिटर्न में, तो ओपनिंग बैलेंसेज वही होने चाहिए, ओपनिंग बैलेंसेज आपके गड़बड़ नहीं होने चाहिए। तो चाहे 44 एडी भर रहे हो, तो जो लोग जीएसटी में काम कर रहे हैं, मैं उन्हें समझा दूं कि तुम इनकम टैक्स में 44 एडी भरकर बच जाओगे, जीएसटी में कैसे बचोगे कि तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं करे। तुम ये कह दोगे जीएसटी वाले को कि जाकर भाई मैं तो 44 एडी करता हूं, मैं तो नहीं बना रहा अकाउंट, तो सेक्शन 35 किस लिए बनाया है जीएसटी में। तो पहली इस चीज को समझना कि अगर आपने 44 एडी भरा है, तब भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसा होना चाहिए कि जो एक लेवल तक फाइनल हो, जीएसटी के पर्पस से हो, और जो आप आईटीआर में फिगर्स भर रहे हैं 44 एडी के केस में, डेट फिगर शुड बी मैच्ड विद योर बैलेंस शीट्स। समझ आई मेरी बात या नहीं आई? क्लियर हो गई ये वाली बात या नहीं? हाँ सर ये वाली क्लियर हो गई। तो आपको ओपनिंग बैलेंस वहां पर 44 एडी के हिसाब से ले लेने हैं, उसकी आईटीआर के हिसाब से ले लेने हैं, और अपनी बुक्स को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अगर वहां पर तुमने 44 एडी में 7 लाख का प्रॉफिट दिखाया है और तुम्हारी बुक्स यहाँ पर बोल रही है 10 लाख का प्रॉफिट, क्या ये सही है? नहीं भाई, खर्चे डाल के 3 लाख रुपए के 7 लाख का मैच करो उसे, कि कल को इनकम टैक्स वाला आ जाए तो मैं दिखा दूं। समझ आई मेरी बात? जी जी सर, एक क्वेश्चन था सर। जी जी पूछिए। सर अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कच्चा और पक्का दो तरह का हिसाब रखती है, लेकिन उसकी पहली बात का पहले ना यहाँ पे वर्ड्सों का चयन ठीक करना है, कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है? प्रोप्राइटरशिप। मैं पहले बता रहा हूँ, साथ में शब्दों का ध्यान रखना है
कि प्रोप्राइटर मतलब प्रोप्राइटर से कंपनी मत कहा करो जी, ठीक है हाँ बोलो सर। अगर प्रोप्राइटर से फर्म अगर दो तरह का हिसाब रख रही, कच्चे का हिसाब अलग पक्के का हिसाब अलग, हाँ, तो क्या ये रखना सही है इस तरह का रिकॉर्ड रखना? भाई बात सुनो, अब कच्चा क्या होता है, कच्चा होता है कैश, पक्का हाँ, क्या होता है जिस पर हम टैक्स दे रहे हैं। तो भाई पहली चीज वो जो कच्चे का हिसाब है वो तो कहीं आप दिखाते ही नहीं। हाँ सर। तो अगर कोई प्रोफेशनल है, अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं उससे कहूंगा कच्चे के हिसाब से दूर रहे, ठीक है ना। वो कहते हैं भाई मुझे तो पता ही, कई बार ऐसा होता है पक्के में उससे पैसा लेना निकल रहा है 2 लाख रुपए, कच्चे में उसने 3 लाख रुपए ऑलरेडी दे रखे हैं, तो क्या करना चाहिए? अभी उस पे आएंगे आएंगे आएंगे, अभी वो डेटर क्रेडिटर पे आएंगे, ठीक है जी सर, ओके। तो भाई अकाउंटेंट अपने आप को सिर्फ पक्के में रखे, कच्चे में ना रखे, पता चलेगा नहीं तो वही कच्चा हो जाएगा, ठीक है। आजकल वो नोट वो वाली वीडियो देखिए, प्रोफेशनल पे 78 करोड़ की पेनल्टी लगी है ना, वो वीडियो देख लेना, उसके बाद तुम कच्चा पक्का नहीं करोगे, फिर पक्का ही पक्का करोगे, ठीक है ना। तो यस सर है ना। तो भाई ऐसा काम करो, जब रात को घर पे सो तो एक अच्छी नींद आए, तुम्हें ये डर ना हो जाए कि किसी ने दरवाजा खटखटाया है तो ये पुलिस वाले तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करो कि नींद अच्छी आए, ठीक है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? दूसरा, ऐसा काम करो जो तुम्हारे आने वाली जनरेशन है, बच्चे, वो ये अपने पापा पे प्राउड करें, अपनी मम्मी पे प्राउड करें, उन्हें ये ना कहना पड़े कि पापा को ये पुलिस क्यों ले गई मम्मी, ठीक है ना। फिर मम्मी गए, अरे ये तो इनकी दोस्त थी इसलिए ले गई, हालचाल पूछने के लिए, पार्टी करेंगे यार, ठीक है। तो भाई ईमानदारी से, ठीक है, जितना आटे में नमक होता है, ठीक है, उसके हिसाब से काम करो, नमक में आटा मत चलाना, ठीक है। आपके बच्चों को आप पर प्राउड होना चाहिए, और पहली बात समझ लेना कि जिसके लिए तुम ये पैसा कमा रहे हो, चाहे तुम्हारी बीबी है, चाहे तुम्हारे बच्चे हैं, चाहे तुम्हारी माता जी है, ठीक है, वो कोई तुमसे ये नहीं कहता कि तुम गलत काम करके लाओ। नहीं, उसका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे ही है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो, ठीक। अरे अभी आऊंगा मैं उस पर, उसकी तो बात करेंगे। तो मैं सिर्फ जो आपको ज्ञान बता रहा हूँ, मैं वो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने कुछ गलत काम करा, किसी की बद्दुआएं लेके काम करा, कुछ भी ऐसा काम करा, तो तुम्हारे बच्चे, बीवी, माँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो ये होता है कि भाई पैसे अपने जो है कमाए, चाहे टाइम पर आए, लेकिन वो नहीं कहती गलत काम करो। समझ में आई मेरी बात या नहीं? जी सर। अब ओके सर। अब सिसोदिया जी को क्या मतलब था, अरविंद सिसोदिया जी को? अरे शिक्षा मंत्री थे, बने रहते, शराब मंत्री क्यों बन गए? कह रहे थे भाई ये मैं नहीं ले रहा मैटर, कोई दूसरा लू। जी सर। हो गए ना बच्चे बीवी परेशान। तो हमेशा उस चीज को समझो, चलो ठीक है। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि सब लोग यहाँ पर ईमानदार है और ईमानदार से ही काम करेंगे, और क्लाइंट के कोई फेवर की बात नहीं करनी है अपने को। अपने को ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से फीस लेनी है, और ईमानदारी से फीस लेके जब कपिल जैन एक इज्जत की जिंदगी जी सकता है, तो तुम तो उससे बढ़िया जिंदगी जी सकते हो, ठीक है। चलो, तो मैं कहां पर था कि ओपनिंग बैलेंसेज बता रहा था कि इसे ठीक कर लेना। इसे ठीक कैसे करना भाई? इसमें टाइम लग सकता है, 2 घंटे 4 घंटे का टाइम लग सकता है, लेकिन एक एक फिगर को बैलेंस शीट में कहां गई है, वो डेबिट में है, क्रेडिट में है, वो निकालनी है और यहां पर फीड करना है, ठीक है जी। चल, तो जब आप ये फीड कर लोगे, फिर आपको क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले निकल के आएगा सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट देखकर मुझे ज्यादा डर नहीं लगा, लेकिन डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस देखकर डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस लगभग 14 लाख का है, और जो सस्पेंस अकाउंट है वो लगभग यहाँ पर कितने का है, 16,000 का। तो 16,000 रुपए का जो है सस्पेंस है, और ये है भी फरवरी का, तो फरवरी का जो सस्पेंस है वो तो खत्म हो ही सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो अकाउंटेंट्स होते हैं या डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते कई बार, कि भाई ये 3 फरवरी 2023 को 16,943 रुपए की पेमेंट करी, और इस पर क्या लिखा हुआ है, जीएसटी की पेमेंट करी। क्या लिखा हुआ है नरेशन में, जीएसटी की पेमेंट करी। वो कहते हैं सारा सस्पेंस जो है ना मालिक ही बताएगा। हमेशा ध्यान रखना, जितना क्लाइंट से कम पूछोगे उतनी ज्यादा वो आपको इज्जत देगा,
उतनी ज्यादा ये छोटी छोटी चीजें नहीं पूछनी उससे। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि उसने 3 फरवरी 2023 को कि 3 फरवरी 2023 को किस चीज की पेमेंट करी है, ठीक है, 16,943 सर हमें क्या पता होगा जीएसटी लिखा है, तो भाई सस्पेंस की कोशिश ये करा करो कि जीएसटी पोर्टल से कहूंगा कि सस्पेंस में हमेशा कोशिश ये करा करो कि सस्पेंस खुद क्लियर करा करो, लेकिन खुद क्लियर करने में ये मत कर देना कि उसका गलत सस्पेंस क्लियर कर दिया। पॉसिबल है तो उसका सस्पेंस खुद क्लियर करो, उसकी ट्रांजेक्शन को देखो कि जैसे अगर जीएसटी लिखा हुआ है तो इट मे बी पॉसिबल, ठीक है ना, जो जीएसटी लिखा हुआ है इट मे बी पॉसिबल उसने कोई जीएसटी की पेमेंट करी हो। तो वहां पर आप जीएसटी पोर्टल 2 मिनट खोल सकते हो और 2 मिनट जीएसटी पोर्टल खोलकर देख सकते हो कि क्या वाकई में ये जीएसटी की पेमेंट है, और अगर वो पेमेंट आप वहां से चेक कर लोगे क्रॉस टैली हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि भाई क्लाइंट को हमने परेशान नहीं करा, हमने उसके सस्पेंस को क्लियर कर दिया। मेरे पास जो एक अकाउंटेंट साहब है वो क्या करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, क्लाइंट हर बार एक ईएमआई पे करता है अपने लोन की, हर बार उसे सस्पेंस में डाल देते, हर बार क्लाइंट से पूछते, अरे यार तुम्हें भी पैटर्न पता हो जाना चाहिए ना एक बार कि ये व्यक्ति हर बार 22,728 रुपए को हर महीने पे कर रहा है, हर महीने पे कर रहा है, तो वो ईएमआई जा रही है, एक बार पूछ लिया आपने, या आपने कोई मंथली पेमेंट दे रहे हो 5,500 इन्वेस्टमेंट की या म्यूचुअल फंड की, तो भाई हाँ क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये किसमें जा रही है पेमेंट, ये हमारी एक फिक्स पेमेंट जा रही है। तो यहाँ पर जरा मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये जो पेमेंट थी हमारी कितने रुपए की पेमेंट थी, ये 16,943 की, क्या ये जीएसटी में है या नहीं। तो अगर कोई पेमेंट जीएसटी की है और तो वो आपको कैसे टैली करनी है कि वो जीएसटी की पेमेंट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे पोर्टल खोल लोगे उसका, और पोर्टल पर जाकर, ठीक है, पोर्टल पर जाकर आप यहां पर जाओगे सर्विसेज में और पेमेंट्स में जाओगे, और पेमेंट्स में चलान हिस्ट्री में जाओगे, नोट करते रहना, पेमेंट्स में चलान हिस्ट्री में जाओगे और चलान हिस्ट्री में जाकर आप यहां पर देख लोगे तो यहां पर लिखा हुआ आ गया, ठीक है, 3 फरवरी में 16,943 रुपए की पेमेंट हुई है। आप इस चलान पर जब क्लिक करोगे तो ये बता रहा है कि यहाँ पर आईजीएसटी में इंटरेस्ट पे किया है, क्या पे किया है जी, आईजीएसटी का इंटरेस्ट पे किया। क्लियर आ रहा है ये चीज समझ में आपको या नहीं। तो अब आप ये बताओ कि ये जो आईजीएसटी का इंटरेस्ट पे किया है 16,943, तो क्या इसे हमें सस्पेंस में डालना था या हम इस सस्पेंस को अपने हिसाब से क्लियर कर सकते थे। आप बताएं मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर कि सर ये तो बगल में ही है, इनका नाम क्या है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं रील्स में, ठीक है, हाँ इनका नाम रामलाल है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि भाई ये जो एंट्री करी, ठीक है, अब इस चीज को समझना, ये जो एंट्री करी तो क्या इस एंट्री को हम सस्पेंस क्लियर कर सकते थे या नहीं, बोलो बोलो चैट बॉक्स में। हाँ सर इसे कर सकते थे, हम इसे किस में डाल सकते थे, आईजीएसटी या तो कैश लेजर में ले जाके डाल देते, फिर वहां से एडजस्टमेंट कर लेते, ठीक है ना, लेकिन ये कतई सस्पेंस में आने वाली एंट्री नहीं थी। क्या ये एंट्री हमें क्लाइंट से पूछनी चाहिए थी, क्लाइंट से अगर ऐसी एंट्री पूछोगे तो वो कहेगा डूब के मर जा चुल्लू भर पालनी, ठीक है। तो ऐसी एंट्री क्लियर आप खुद ही कर सकते हो तो उन्हें क्लियर कर लेना, ठीक है, हाँ, लेकिन पूरे तीरंदाज मत बन जाना कि एंट्री क्लियर करने के चक्कर में है उसकी कोई एंट्री और तुमने डाल दी किसी और में। जहां पर भी हल्का सा डाउट है आप नरेशन लिख दो पूरी जितनी आपको समझ आती है, बाकी क्लाइंट से पूछ लो। तो सेकंड काम अपने को क्या करना है कि अपने को सस्पेंस एंट्रियों को क्लियर करना है, जितनी नरेशन हो सके वो सारी नरेशन लिख देना, ठीक है। अगर नरेशन में ये भी लिखना पड़े कि भाई ये क्लाइंट ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था गिफ्ट, उसके पैसे हैं, क्लाइंट अपनी वाइफ को घुमाने लेके गया था, वाइफ की लिपस्टिक खरीद के लाया है, वो भी लिख देना, ठीक है ना, वो कनेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई किसकी एंट्री है। नरेशन पूरी होनी चाहिए, नरेशन से ये पता लग जाता है ये एंट्री क्या है। अब ये देखो जितेंद्र भारती जी आ गए अगले क्वेश्चन पे, सर ये इंटरेस्ट पे हुआ है, अब आप बताओ ये अलाउ होगा एक्सपेंसेस में या नहीं। अरे उसकी बात बाद में करेंगे भाई कि क्या अलाउ होगा क्या डिसअलाउ होगा, पहले कहानी को
आराम आराम से समझो मेरे साथ, ठीक है। तो अब हमारी, ठीक है, अब हमारी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको चेक करनी है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, सस्पेंस, सस्पेंस पहले ही खत्म कर लेना। पता चले सस्पेंस में 1,00,000 रुपया डला हुआ है, ठीक है, सस्पेंस में 1,00,000 रुपया डला हुआ है और वो खर्चा है, तो तुम पीएनएल कैसे चेक करोगे? पीएनएल तो जस्टिफाई हुआ ही नहीं ना भाई। हो सकता है ये वाला खर्चा इंटरेस्ट का था और यहाँ 1,00,000 का था, सस्पेंस में डला हुआ है, तो पीएनएल इसलिए पहले चेक नहीं करना चाहिए, पहले बैलेंस शीट को एक लेवल पे थोड़ा सा क्लियर करना, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारी दो पॉइंट पे क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट जो अपने को करना है, तीसरा पॉइंट है फिक्स असेट्स। इस फिक्स असेट्स के अंदर नोटिंग कर लो, फिक्स असेट्स क्या होती है कि फिक्स असेट्स आपने एक बार खरीद ली, उसके बाद आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहते हो, तो इनकम टैक्स की नजर रहती है फिक्स असेट्स कि भाई इसने फिक्स असेट्स जनरेट तो नहीं करी, बोकस, फेक फिक्स असेट्स तो नहीं है। तो जितनी भी फिक्स असेट्स आपके पास है क्लाइंट पर, तो आप हर इसके अंदर एंट्री डाल डालकर, आप बीजी में एक्सपर्ट होंगे तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि भाई कौन सी फिक्स असेट्स में एडिशन हुआ है, कौन सी फिक्स असेट्स में एडिशन हुआ है। जैसे यहां पर ये फिक्स असेट्स में एडिशन हुआ है किसमें, इंटेल कंप्यूटर। तो जब ये इंटेल कंप्यूटर की फिक्स असेट्स में एडिशन हुआ है, आपको यहां पर रुकना है और इसके बिल की कॉपी, इसके बिल की कॉपी अपने क्लाइंट से डिमांड करनी है और उसे एक अलग से फिक्स असेट्स फाइल में रखना है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, फिक्स असेट्स में इतना क्यों करना है? क्योंकि भाई ये जो फिक्स असेट्स होती है, इस चीज को आपको समझना है कि इसके ऊपर जब आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो इसकी डेट बड़ी रेलिवेंट होती है। अगर आपने कोई असेट्स, एक डेट निकल कर आती है 2 अक्टूबर के आसपास की, कि अगर आपने कोई असेट्स उससे पहले खरीदी है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिलता है, उसके बाद खरीदी है तो आधे साल का मिलता है। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं अभी, प्रोप्राइटरशिप में। तो इसलिए फिक्स असेट्स का बिल होना बहुत जरूरी है। अब जैसे इन्होंने लिखा कि भाई हमने 29 नवंबर 2022 को असेट्स खरीदी, अब देखो यहाँ पर जो अकाउंटेंट साहब है बड़े लापरवाह हो सकते हैं, उन्होंने नैरेशन में कुछ नहीं लिखा, लेकिन जब हम एंट्री पास करेंगे तो हो सकता है वहां पे नैरेशन में कुछ लिखा हो, आईटीसी ले लिया, ठीक है ना जी, तो यहाँ पर भी नैरेशन में कुछ नहीं लिखा। इस एंट्री को हम बोलते हैं कि भाई आपने पुअर एंट्री करी है। जब आप फिक्स असेट्स की एंट्री कर रहे हो तो क्या आपके पास बिल होना चाहिए था या नहीं, बिल नंबर? सर बिल नंबर होना चाहिए था। तो यहां पर जो फिक्स असेट्स की एंट्री हुई है, आपको उसका बिल रखना है अपने पास, नरेशन प्रॉपर होनी चाहिए, किस डेट में परचेज करा है ये होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा जो कि गलत बात है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं, अंदर कर रखा, चलो एज पर पार्टी मास्टर में जब हम गए तो यहां पर इन्होंने कर रखा है कि परचेज बिल नंबर इतना है, 29/11 को करा, HSN नंबर ये है। क्योंकि ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि अगर आपके पास यहाँ पर परचेज बिल नंबर नरेशन में लिखा हुआ है, कल को वो बिल नहीं मिल रहा तो आप क्लाइंट को फोन करके वो बिल ले सकते हो, और यहाँ पर इन्होंने IGST का अमाउंट क्लेम किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझेंगे कि जितनी फिक्स असेट्स है सबके एडिशन के एक प्रॉपर बिल आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी कभी आपकी स्कूटनी होगी तो असेसिंग ऑफिसर का जो लेटर आएगा, जो आप मेरे से कह रहे थे कि सर नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, तो जो असेसिंग ऑफिसर का जो लेटर आएगा उसमें लिखा रहता है कि क्या क्या फिक्स असेट्स एडिशन हुए, हमें लाकर दो। तो इस वजह से आपको ये फाइल रखनी है। अच्छा, अब ये चीज हो गई, अब आपने देख लिया कि सर फिक्स असेट्स में ये मोबाइल फोन है। अब कई बार क्या होगा कि कुछ आइटम गलती से फिक्स असेट्स में डाल दी होंगी एडिशन में, जबकि वो फिक्स असेट्स होंगी नहीं। जैसे लेट सपोज करो कि हमने क्या करा, मार्केटिंग करने के लिए या गिफ्ट बांटने के लिए 50,000 के दिवाली पर कंबल मंगाए, ठीक है, या हमने चद्दरें मंगाई। तो भाई चद्दरें कंबल अगर हम कुछ मंगा रहे हैं, ठीक है ना, तो चद्दरें कंबल जो हम मंगा रहे हैं वो फिक्स असेट है ही नहीं, तो आप उसे फिक्स असेट्स में कैसे डाल रहे हो? तो यहां पर कुछ लोग कुछ गलती क्या करते हैं, वो फिक्स असेट्स होती नहीं है उसे फिक्स असेट्स में डाल देते हैं। वाइसा वर्सा क्या कि फिक्स असेट्स होती है उसे परचेज में डाल देते हैं। तो यहां पर आपको इसका डिफरेंस निकालना बड़ा जरूरी है। अब जैसे ये 7,000 का मोबाइल है तो आपने यहां पर फिक्स असेट्स में डाल दिया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर अपना हर साल डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेना।
लेकिन कई बार हो सकता है 500 रुपए का कैलकुलेटर खरीदा हो, ठीक है ना, तो आप उसे मेरे हिसाब से फिक्स असेट्स में ना डालकर ऑफिस एक्सपेंस में डाल दो। और अगर आप कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो तो उस वाले केस में वो कहते हैं कि 5000 से कम का जो एक्सपेंसिज होता है तो उसे पीएनएल में डाल के खत्म करो। तो जब भी आप फिक्स असेट्स के लेजर को स्पूटनी कर रहे हो तो आप एडिशंस आपको चेक करना है, और ये चेक करना है क्या ये वाक्य में ही फिक्स असेट्स है क्या, और अगर वो वाक्य में ही फिक्स असेट्स है, अब जैसे ये हार्ड डिस्क है, अब आप समझो ये हार्ड डिस्क है, अगर आप इस हार्ड डिस्क को खर्चों में ले जाओगे तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा जुल्म नहीं हो जाएगा, लेकिन इस हार्ड डिस्क को, ठीक है ना, आपने क्या करा फिक्स असेट्स में रख लिया, अब इस पे पूरे 5 साल 10 साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, दिमाग खराब करो, अमाउंट भी कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको फाइनेंशियल्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पर लिखा हुआ है कि भाई आपका छोटा मोटा अमाउंट है आप उसे इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है ये हार्ड डिस्क इस तरह की हो कि कंप्यूटर की खराब हो गई हो तो उसमें आ गई, तो आप इसे रिपेयर मेंटेनेंस में डाल सकते हो। और अगर आपको लगता नहीं सर ये तो मैंने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदी है, सर ये तो मैंने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदी है, तो आप इसे असेट्स में, मैं ये नहीं कह रहा गलत है फिक्स असेट्स में ले जाना, लेकिन आप चाहते तो इसे जर्नल एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल के इसकी कहानी को खत्म कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं करा गया। तो हमें, क्योंकि कल को जब स्कूटनी होगी तो आपको दिक्कत आएगी, तो ये जितनी भी 3-4-5 फिक्स असेट्स में एडिशन हुए हमने उसके हिसाब से ले लिया। अब यहाँ पर जब भी आप फिक्स असेट्स के लेजर को स्कूटनी कर रहे हो तो 31 मार्च आए या ना आए, आज है 4 मार्च, फिर भी आप क्या करना, एक डेप्रिसिएशन की एंट्री जरूर डाल देना, क्योंकि जब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री, बहुत सारे लोग लास्ट टाइम पर डालते हैं, तो जब ये मान लो 20 लाख की असेट्स है तो पिछले साल आप कंपेयर कर लो कि भाई 20 लाख की असेट्स पे हमारा लगभग डेप्रिसिएशन कितना बना था, तो अगर आप देखोगे कि भाई लगभग जो हमारा डेप्रिसिएशन था वो 20 लाख की असेट्स पर, मैं अगर आपको बता दूं वो हमारा डेप्रिसिएशन लगभग 3-3.25 लाख था। अगर आप पर अभी समय है तो उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री प्रॉपर डाल दो, क्योंकि अब तो असेट्स आई गई ना सारी, कोई नई आएगी तो डाल देंगे, अदरवाइज आप क्या करो इसकी एक डेप्रिसिएशन की एंट्री जरूर डाल दो, क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं डालोगे तो आपको यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि भाई इन असेट्स के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात या नहीं, बोलो जी, क्लियर हुई मेरी बात या नहीं? हाँ, तो यहां पर जैसे डेप्रिसिएशन का हमने चार्ट निकाला, ठीक है ना, कि कितना एडिशन हमने फर्स्ट हाफ में करा, कितना एडिशन सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का मतलब समझ गए आप, जहां पर हमारे को आधे साल का डेप्रिसिएशन मिल रहा है और जहां पर हमारे को एक साल का डेप्रिसिएशन मिलना है, तो हाफ का मतलब क्या है कि यहां पर पूरे साल का मिलेगा, सेकंड हाफ का मतलब ये है, तो यहां पर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री जरूर डाल देना। ठीक है, उससे क्या होगा, एक आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन कितना है। यहां पर बीजी में किसी को आता है डेप्रिसिएशन की एंट्री एकदम से डल जाती थी, ठीक है, किसी को पता है कैसे डलती है अगर कोई बीजी चलाता है तो? हाँ हाँ जी भैया, आती तो है यार, सर फिक्स असेट का मास्टर बनाते वक्त वहां पर वो पूछता है उसकी रेट वगैरह, तो डाल सकते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपने को वो नहीं करना, ठीक है, तो हमारे अकाउंटेंट्स आप भी इस क्लास को देख रहे होंगे तो वो डेप्रिसिएशन की एंट्री डाल देंगे, लेकिन अगर एंट्री नहीं डालते तो 3 लाख रुपए का जो डेप्रिसिएशन है, चाहे 3 का निकले इस साल, चाहे 2.5 का निकले, चाहे 2 का निकले, चाहे 4 का, तो आपका प्रॉफिट हिल जाएगा। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रख ले कि भाई आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री डाली है या नहीं डाली, और अगर नहीं डाली तो अब 4 मार्च को डाल देवे। क्लियर हो गई? अब ये कह रहे हैं ओल्ड व्हीकल हाउ टू क्लेम डेप्रिसिएशन, अरे भाई ये जब डिटेल में जाएंगे, ठीक है, उसमें बताएंगे, अगर आपके पास ओल्ड व्हीकल है तो ओल्ड व्हीकल की आरसी आपके नाम होनी चाहिए, अगर आपके नाम पर आरसी नहीं है तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आरसी का होना मैंडेटरी है,
तो जिसके नाम आरसी होगी वही डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। अगर आपने कोई ओल्ड व्हीकल खरीदा है तो उसकी आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने नाम ट्रांसफर करावे, तभी आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर। तो जी यहाँ पर फिक्स असेट्स का आपको एनालिसिस क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें मैंने 3-4 चीजें आपको बता दी कि ये कैसे चेक करनी है। क्लियर हो गई ये वाली बातें या नहीं, बोलो? फिक्स असेट्स क्लियर हो गई? हाँ जी, पूछ सकते हैं? हाँ जी, मैंने एक चीज कई बार एक नोट करी, हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हैं, वो कैसे एक कार है, कार का एक ब्लॉक है, उसमें 3-4 कारें हैं। मैंने एक कार बेची और उस कार बेचने में मुझे नुकसान हुआ, तो वो उसकी बुक वैल्यू में जो ज्यादा कम पे बिकी तो वो उसको लॉस में नहीं ले जाते, उसी ब्लॉक में उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्या ये सही है? वो हाँ, मैं आपको बताऊंगा, जब आप सेक्शन 32 पढ़ेंगे इनकम टैक्स का, वहां पर डेप्रिसिएशन की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर ब्लॉक का कंसेप्ट है। तो जब आप डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे इनकम टैक्स का डिटेल्ड में, तब वहां पर यह चीज कवर अप होगी कि वहां पर ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक से ही चीजें माइनस होती है, ठीक है ना? ओके, ठीक है, अभी हम उस चीज को निकालें। तो फिक्स असेट्स में ये वाली चीजें क्लियर हो गई। अब आपने एक चीज नोट करी होगी, मैं बैलेंस शीट में आया, मैंने कैपिटल साइड को नहीं पकड़ा, मैंने किसे पकड़ा पहले? असेट साइड को, ये आसान साइड होती है बैलेंस शीट की, ठीक है? तो पहले आपको इसी साइड को पकड़ना। अब दूसरी तरफ, अब लास्ट बच गया हमारा करंट असेट्स इसमें, ठीक है? फिक्स असेट्स हमने ठीक कर लिया, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस देख लिया, सस्पेंस सब हो, अब आते हम करंट असेट्स। तो जब हम करंट असेट्स में आते हैं तो सबसे पहले आपको जो डेबिट साइड में चीजें आ रही है उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, जो क्रेडिट साइड में चीजें आ रही है उन पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि असेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और अगर कोई चीज क्रेडिट में आ रही है इट मींस वो चीज एडवर्स है, वो चीज खतरनाक है, वो चीज थोड़ी सी अटपटी है, तो हमारे को उस चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। समझ आई मेरी पहली बात? कि जब भी कभी आप असेट साइड में आएंगे तो जो आपको बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है पहले उस पर फोकस करना है। तो जैसे ही आप क्रेडिट साइड में आए तो आपने क्या देखा कि एक डेटर्स आ रहा है, तो डेटर कभी क्रेडिट साइड में कैसे आ सकता है? सिर्फ एक ही केस में आ सकता है कि जो आपका डेटर क्रेडिट साइड में आ रहा है, या तो उसकी हमने सेल की एंट्री ना डाली हो, या उस डेटर ने हमें एडवांस दिया हो। तो हम जनरली क्या करते हैं कि जब उस वो डेटर हमारे को एडवांस देता है तो हमारा वो एडवांस हमारा क्रेडिट साइड में आता है। तो आपके डेटर्स अगर क्रेडिट साइड में आते हैं तो नोट करके लिखो कि भाई डेटर्स का क्रेडिट साइड में आना, ठीक है, इज अ वार्निंग साइन फॉर द प्रोफेशनल कि टू चेक डेट लेजर। और उसमें गलती के क्या चांसेस है? या तो सेल्स बुक नहीं हुई, या उसकी सेल्स किसी और लेजर में बुक हो गई है, या उसके अंदर पेमेंट में कुछ गड़बड़ है। और अगर सारी चीजें ठीक हैं तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि उसका एडवांस आया। अगर सारी चीजें ठीक है तो इसका मतलब उसका एडवांस आया है, वो चेक कर लो। जैसे ये दो डेटर्स का डेबिट बैलेंस है, मैं इसे चेक नहीं कर रहा, लेकिन मान लो ये मार्को एमटी का बैलेंस है तो इट मींस ये मेरे को एडवांस आया है, 1 मार्च को इसने मुझे एडवांस दिया है जिसकी शिपमेंट मेरी अभी जानी बाकी है, इस वजह से ये एडवांस है। फिर भी ये वाली बात मैं अपने किससे कंफर्म कर लूंगा, ठीक है, मैं अपने जो भी क्लाइंट है उससे कंफर्म कर लूंगा कि भाई ये आपको एडवांस आया हुआ है। अब यहां पर देखो मजे की बात, जब हम डेटर का बैलेंस चेक कर रहे थे तो यहां पर हमारे को एक एंट्री मिल गई, एसके एंटरप्राइजेज। अरे भाई डेटर में एसके एंटरप्राइजेज क्या कर रहा है? जब एंट्री खोली, ठीक है, तो जब एंट्री खोली तो मिल गया परचेज, तो इसका मतलब जिस भी अकाउंटेंट साहब ने इसकी एंट्री करी है बड़ी फुर्ती में करी है। एसके एंटरप्राइजेज को बनाना था किसमें? क्रेडिटर में, और उसे बना किसमें दिया? डेटर में। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये सारी गलतियां आप जब बैलेंस शीट फाइनल कर रहे होंगे तभी आप उसे ठीक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। समझ में आई मेरी बात या नहीं? तो डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस आने का यही एक मतलब है। समझ आई? तो डेटर्स के क्रेडिट बैलेंस पे चिंता है, जैसे जागृति इंपैक्ट्स है,
कि भाई आपने फरवरी में रिसिप्ट कर लिया कोई चीज, अरे भाई फरवरी में रिसिप्ट कर लिया तो इसका जर्नली हम देख रहे हैं कोई एडवांस आता नहीं है। मार्को एमटी में तो हमारे को एडवांस आता है, यहाँ पर भी एडवांस आया हुआ है, यहाँ पर भी एडवांस आया हुआ है, आप समझ रहे हो। लेकिन जागृति इंपैक्स में तो आता नहीं, तो इसका मतलब आपने इसका बिल ही नहीं काटा, इसका जो फरवरी का बिल था उसकी एंट्री नहीं करी, तो भाई आपकी टर्नओवर कैसे मैच होगी। और बैलेंस शीट में मैं पीएनएल पर नहीं जा रहा टर्नओवर मैच करने के लिए, पहले कहां पर आ रहा हूं, डेटर्स पर आ रहा हूं कि पहले डेटर्स को ठीक कर लूं। तो यहां पर गारंटीड है मेरी बात कि 16 फरवरी का उसका कोई बिल होगा फरवरी का, ठीक है, और उसकी एंट्री यहां पर इन्होंने नहीं करी, या तो क्लाइंट ने बिल नहीं दिया, ठीक है, नोट कर लो, डेटर के क्रेडिट बैलेंस आने के कारण बिल नहीं चढ़ा, गलत पेमेंट्स डली हुई है, ठीक है, और लास्ट लिखोगे आपकी वो एडवांस है, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो भैया इस चीज को चेक करो, अगर उसका बिल नहीं है तो उसकी एंट्री करो। अब हो सकता है, ठीक है ना जी, अब ये जो बैलेंस है, जब भी कभी डेटर्स में तुम्हें छोटा बैलेंस दिखाई दे, छोटा बैलेंस मतलब 500 का है, 1000 का है, 2000 का है, 4000 का है, इस तरह का बैलेंस आपको अगर दिखाई दे रहा है तो इट मे बी पॉसिबल कि वो क्या है, बैलेंस हमारा सेटल हो चुका है पूरा, कि लेट सपोज कि मैंने 238000 रुपए का माल भेजा, यहां पर समझिए मैंने एक्सपोर्ट करा 238000 का, मेरे को 205000 रुपए एक आ गए, ठीक है, मेरे को 205000 रुपए एक आ गए, ठीक है ना, और मेरे को 36000 रुपए, देखो इसे समझा रहा हूं मैं, बड़े प्यार से समझना इस ट्रांजेक्शन को, एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन है, बहुत लोगों को समझ नहीं आती, ठीक है, फिर भी मैं आपको जर्नली समझा रहा हूं कि क्या है, कि मान लो 2,00,000 रुपए मेरी सेल थी, 36000 रुपए मेरा आईजीएसटी था, तो एक्सपोर्ट में होता क्या है कि 2,00,000 रुपए तो पार्टी दे देती है और 36000 गवर्नमेंट दे देती है, तो 36000 गवर्नमेंट ने दे दिए और पार्टी ने 201000 की जगह मेरे को कितने रुपए दे दिए, 205000, 201000 की जगह 205000 दे दिए। अगर ये डोमेस्टिक पार्टी होती तो हम इस बात को समझ लेते कि भाई ये जो 5000 रुपए दिए है, हो सकता है 3-4000 एक्स्ट्रा दिए, लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल पार्टी है तो हमारे को समझ जाना चाहिए कि अब इससे जो 3000 रुपए है हमें वापस नहीं करने, ये हमारा फॉरन एक्सचेंज गेन है और हमें इसकी एंट्री फॉरेन एक्सचेंज गेन में करके इस लेजर को क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। 3,768.23 रुपए को हमारे को खड़ा नहीं रखना चाहिए, हमें एक एंट्री पास कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। कितना अमाउंट था भाई इसमें, 3,768.23, तो इसमें क्या करना है अपने को, एक जर्नल मार लेनी है, एटीपी मोटर्स, क्या है, एटीपी मोटर्स, ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है, हमें एक डेबिट मार लेना चाहिए, ठीक है ना, एटीपी मोटर्स 3,768.23। और मैं अभी यहां पर नरेशन नहीं डाल रहा हूं क्योंकि क्लास में लेट हो जाएंगे हम, और यहां पर क्या डाल दिया, फॉरेन एक्सचेंज अभी फिलहाल इसमें डाल देता हूं मैं, ये क्या है हमारा फॉरेन एक्सचेंज गेन, तो अब हमारा ये लेजर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो डेटर्स वाली क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलो जी, डेटर्स वाली चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, यस सर, अगर डेटर्स, लेकिन डेटर्स में ना एक चीज और करना भाई, अगर आपको और अच्छा अकाउंटेंट बनना है, अच्छा अकाउंटेंट, अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए आपको थोड़ी बहुत बुराई लेनी पड़ सकती है, थोड़ी बहुत कुछ चीजें अपने लेवल पे करनी पड़ सकती है कि डेटर्स की कंफर्मेशन मांग लो, ये एक हैबिट बना लो, ठीक है। अगर ये एक्सपोर्ट सेल नहीं है तो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट ले लो, और कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स लेकर आप ये कंफर्म कर लो कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, चाहे आपका क्रेडिट में आ रहा है चाहे डेबिट में आ रहा है, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स लेना की हैबिट डाल लो। अब जैसे मुझे ये भी पता है
कि इसकी भी 27,000 रुपए इससे आएंगे नहीं, मेरा फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो आपको ये चीज चेक करनी है कि भाई डेटर और डेटर्स के अंदर जो बैलेंस आ रहा है उसमें पहले पॉसिबल चेक करो कि गलती तो नहीं है, और अगर गलती है तो उसे गलती को ठीक करो, अगर गलती उसके बाद भी तुम्हें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स ले लो, ठीक है जी। कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स आप हर केस में ले लो। तो डेटर्स क्लियर हो गया या नहीं बोलो, डेटर्स क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर पार्टीज देती नहीं, कई बार कॉल करते हैं, ऐसा नहीं होता। मैंने क्या बोला, इसमें तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें मेहनत क्या करनी पड़ेगी, जो डेटर्स का जो अकाउंट होता है वो पार्टी नहीं देती, हमारे को ठीक है ना, हमारे को उसे भेजना होता है कि भाई मुझे रामलाल तुमसे 10 लाख रुपए लेने, तुम लिख कर दे दो। तो तुम लेजर भेजोगे डेटर्स के केस में और वो लिख कर देगा कि हाँ जी मैं इनके 10 लाख देता हूँ, ठीक है ना। और अगर कई बार पार्टी तुम्हें नहीं दे रही तो उसे 2 लाख फालतू बता दो, सर मेरी बुक्स कह रही है तुमसे ना 12 लाख लेने। वो कहेगा भेजो भाई फटाफट लेजर भेजियो, मेरे हिसाब से तो 10 लेने, ठीक है। वो तुरंत तुम्हें लेजर भेजेगा जब आप अपने डेटर्स को बताओगे। तो ये तो एक अकाउंटेंट की प्रोफेशनल की चालाकी होती है, वो किस तरीके से ये चीजें निकलवाए, क्योंकि लेजर वेजर भेजने में कोई पैसा वैसा तो आता जाता नहीं, वो सोचते क्यों भेजे यार काम आखाई। लेकिन जब आप उससे मांगोगे या अपने मालिक को बोलोगे, उसे बोलोगे, वो बोल देना कि भैया मैंडेटरी है। क्योंकि जब आप कभी भी इनकम टैक्स की स्कूटनी में डील करोगे और अगर आप पे उसकी कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स नहीं है तो आपका केस वीक होगा, ठीक है सर। ये सर ठीक है, हाँ जी हाँ जी बोलिए सर। अंकुर करियर सर, जैसे कोई सी पार्टी का 2-3 साल से ओपनिंग चला आ रहा है 2 लाख 3 लाख का, तो क्या उसको कैश रिसीव करके खत्म कर सकते हैं? अभी आता उसको, ठीक है। विनीत कृष्णा जी कहते हैं इफ डिफरेंस बिकॉज ऑफ रिपोर्टिंग एफए ऑन ट्रांजैक्शन डीटी एंड ईयर एंड डीटी कैरी फॉरवर्ड। भाई मेरे को इतना शॉर्ट समझ नहीं आता विनीत जी, क्या लिख रहे हो तुम? इफ वी टेकन इट एज इनकम, व्हाट अबाउट डिफरेंस जीएसटी? भाई सुनो, तुम तो ज्यादा लंबा पहुंच गए, तुम लग रहा है मुझे जीएसटी या इनकम टैक्स पढ़ाने ही नहीं दोगे, ठीक है। हल्के हल्के क्वेश्चन पूछने हैं, समझ रहे हो? पता चले मैं अगली क्लास में ही दूसरे टीचर को लियो, ठीक है। इतने टफ नहीं पूछने, ठीक है। पहले बता रहा कि इनकम में क्यों मानना, इनकम को क्यों मानना है भाई जब वो इनकम है ही नहीं। और अगर इनकम मानोगे तो भाई जीएसटी का झंझट आएगा, ठीक है ना। तो इनकम जब है उसे मानो, ठीक है। वो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है, जैसे अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस होता है उस पर कोई ऐसा टैक्स नहीं आता, ठीक है ना। अगर एग्जेम्प्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो वो देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज किसी ने बोली कैश में रिसीव कर ले, क्यों कर लोगे कैश में रिसीव? पहले पार्टी का लेजर मंगाओ कि क्या उसने कैश में पेमेंट डाली हुई है। तुम कैश में रिसीव करके बैठ गए, बैलेंस शीट फाइनल करी, 10 दिन बाद उसने चेक से पेमेंट कर दी, फिर कैसे करोगे उस एंट्री को? तो कैश में रिसीव करनी है, कुछ भी करनी है, पहले कंफर्मेशन ऑफ लेजर मंगाओ, उसी के बाद करो। अगर किसी पार्टी का बैलेंस चल रहा है 2-2 साल 3-3 साल का, ठीक है, उसे समझाओ हिंदी में कि भाई तुमने 3 साल से पेमेंट नहीं करी है, कल को हमें कोई दिक्कत नहीं है डेटर्स के केस में, कल को तुमने अपनी लायबिलिटी पे नहीं करी, सेक्शन 41 ये कहता है, वो तुम्हारी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो जब आप अपनी उस पार्टी को बोलोगे तो वो सेटलमेंट करेगा, या तो उसे खत्म करेगा कैश में करवाएगा, या पेमेंट देगा कच्चे में, जैसे किसी ने बोला था कच्चे में इतने लेने पक्के में उतने लेने। तो भाई तुम अपने पक्के वाले को क्लियर करके रखो, कच्चे में मरने दो क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी बैलेंस शीट्स को दुरुस्त नहीं रखोगे, डेटर्स अगर ऐसे निकल कर आ गए जो नॉन मूविंग डेटर्स है, यहाँ पर जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से मूव ही नहीं हुए, अगर वो नॉन मूविंग डेटर्स है और उस बैलेंस शीट पे आप साइन करते गए, तो कल को आप फंसोगे। क्योंकि भाई अगर ये नॉन मूविंग थे तो इनका रीजन बताओ कि ये नॉन मूविंग क्यों थे, इसका मतलब तो ये पैसे आने ही नहीं थे। तो आपने बैलेंस शीट को एफिलेटेड डेटर्स करके दिखाया हुआ है, जो कि गलत है। तो कभी भी आपकी बैलेंस शीट में नॉन मूविंग डेटर्स नहीं होने चाहिए, समझ आ गई मेरी बात? तो नॉन मूविंग पे आप हर बार बोलो भैया मैं नहीं कर पाऊंगा साइन, और भाई साहब इस बार ना 2-4 बैलेंस शीट साइन करना ही मत, दूसरे को दे देना, ठीक है ना।
क्योंकि अगर आप ये मेरी क्लास लोगे और इसे पढ़ोगे और इसे सीरियस हो जाओगे तो हो सकता है तुम्हें लगे यार ये बेकार ही है बैलेंस शीट साइन करना, बिल्कुल सही लगेगा। मेरी देख लो, मैं खुद नहीं करता साइन, मैं पैसे दे दे के कराता हूं साइन, ठीक है ना। क्योंकि क्लाइंट्स अगर आपके हिसाब से नहीं है वो खुद भी मरेगा तुम्हें भी मरवाएगा, तो ऐसे काम करना ही क्यों, ठीक है। अगर तरीके से कर रहा है तो अभी कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझो। सर इज द डिफरेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग फिक्स्ड एसेट्स ऑन ट्रांजेक्शन। अरे देखो ये फिर विनीत कृष्णा जी ने फिर इतना लंबा क्वेश्चन पूछ दिया। अरे भाई अभी हम डेटर क्रेडिटर पे आ रहे हैं, इतना कठिन क्वेश्चन ना पूछो विनीत कृष्णा जी, विनील कृष्णा जी है, ठीक है। तुम लग रहा है मुझे इनकम टैक्स नहीं पढ़ाने दोगे, मैं जीएसटी पढ़ा लू, ठीक है ना। अभी तक लंबा क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है ना, ठीक है। फिक्स असेट्स का जो भी आपके क्वेश्चंस हो गए उन्हें संभाल के रखने हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे मुझे भी उनका जवाब नहीं पता होगा तो मैं ढूंढ डांड के दूंगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है, फिक्स डिपोजिट, ठीक है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फिक्स डिपोजिट। अब बताओ 1033 रुपए की किसकी फिक्स डिपोजिट होती है, किसी की होती है 1033 रुपए की फिक्स डिपोजिट। हुआ क्या था, 20,000 का ओपनिंग बैलेंस था, बैंक से निकल कर आएगा 21,033। अरे भाई जब ये 21,033 निकल कर आ गए तो इसका मतलब क्या था, फिक्स डिपॉजिट थी 20,000 की और बैंक में आए थे 21,033, बाकी जो पैसे थे वो किस चीज के थे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, किस चीज के थे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो ऐसे फालतू अकाउंट ना, ठीक है ना, ऐसे फालतू अकाउंट बड़े परेशान करते हैं, ठीक है। यहां पर एक अकाउंट ऐड कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, और यहां पे डाल दिया इनकम इनडायरेक्ट, ठीक है, ठीक है जी। तो यहां पर ये वाला लेजर क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट में कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो अपने क्लाइंट से नोटिंग करके लिख लो कि सर एक ना बैंक से सर्टिफिकेट मंगा दो कि आपकी फिक्स डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट आया है। हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो, ठीक है ना, हालांकि होगा यही, लेकिन फिर भी सेफर साइड अगर आपकी कोई एफडी वगैरह है तो उस पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगा कर रख लो, ठीक है। तो ये हमने यहां पर एक चीज और क्लियर कर ली, ठीक है, क्लियर है जी। हाँ बोलो बोलो जी, ठीक है। अब ये जो है लेजर, ये ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 6,81,000 का, हो सकता है इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट में नहीं आ सकता, ठीक है ना, इसका बैलेंस क्रेडिट में नहीं आ सकता, तो हो सकता है इस लेजर में कोई गड़बड़ हो। तो मैं इसे अभी टच नहीं कर रहा, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो जो ओपनिंग बैलेंस की चीजें थी वहां पर ये चेक होगा कि भाई ओपनिंग बैलेंस सही है या नहीं, तो इसका आगे लेजर क्या है, ठीक है। हो सकता है मेरे हिसाब से ये वाला बैलेंस इसका गड़बड़ है, ये वाला बैलेंस बैलेंस शीट से नहीं आया है, ठीक है, कहीं और से ही ये आया है, ठीक है जी। 6,81,000, ठीक है, तो हमें इसे नहीं देखना। अब जैसे ये है इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है, तो इनकम टैक्स रिफंड जो आया ये इन्होंने किसी ने एसेट साइड में डाल दिया, जबकि जो इनकम टैक्स रिफंड होता है ये कहां पर जाता है, कैपिटल साइड का पार्ट होता है। तो यहां पर मैं आपको इस तरीके से ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना। अभी मैं कैपिटल अकाउंट में इसे लेकर जा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको अपनी चीजों को क्लियर कर लेना है, जो भी आपकी एसेट साइड है। इसमें मोटा मोटी और चीजें क्लियर बता दूं जो तुम्हारा है, कि जैसे मान लो आपका सीजीएसटी नोट क्लेम्ड आ रहा है तो भाई आप उसे चेक करो कि ये नोट क्लेम्ड क्यों है और जिस महीने में आपने क्लेम्ड कर लिया। अब कई बार ऐसा होगा, इस चीज को समझना, कि ये जो जीएसटी नोट क्लेम्ड है, जीएसटी नोट क्लेम्ड क्या था, अप्रैल में था, लेकिन अगर आप इस जीएसटी को मार्च में क्लेम कर रहे हो या जहां भी क्लेम कर रहे हो तो आपको इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। आपके जो जीएसटी के लेजर्स है, तो आपके जो जीएसटी के लेजर्स है वो यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, आपके पोर्टल से मैच होने चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। कौन कौन से लेजर जीएसटी के पोर्टल से मैच होने चाहिए, एक तो क्रेडिट लेजर मैच होने चाहिए आपके। अगर आपके क्रेडिट लेजर और कैश लेजर मैच है
तो आपकी लायबिलिटी कभी भी गलत नहीं आएगी। तो आप ये नोट कर लो कि जीएसटी के जो लेजर है वो पोर्टल से मैच होने चाहिए। कैसे होते हैं मैच वो भी मैं बता दूंगा। आईटी रिफंड इफ फर्म इज पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना, बताता हूँ। अभी अगर ये हमारा जो इनकम टैक्स का रिफंड था ये हमारा प्रोप्राइटरशिप का था, तो इस वाले रिफंड को हमने कैपिटल में ले गए। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म का होता है तो पार्टनर्स में बंटता है कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि उन्होंने ही टैक्स लिया होता है बर्डन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पार्टनरशिप फर्म का है तो उनके कैपिटल अकाउंट में बटेगा, ठीक है। एडवांस टैक्स जो आपका आ रहा है, ये एडवांस टैक्स आपका मैच होना चाहिए। किससे मैच होना चाहिए? 26S से, ठीक है, ठीक है ना। ये नोट कर लो भाई, एडवांस टैक्स लिख लो कि जो हमने 26S में हमारा एडवांस टैक्स आ रहा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां पर हमारा 60,000 आ रहा था 26S में, और यहाँ पर हमारा एडवांस टैक्स आ रहा है 80,000। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। हो सकता है कि ये वाला जो 40,000 का टैक्स है, एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका जो एडवांस टैक्स है ये 15 दिसंबर वाली एंट्री हमारे 26S में नहीं आ रही। तो आपको ये चेक करना है कि भाई एडवांस टैक्स जब हमने यहाँ पे कर दिया तो वो 26S में क्यों नहीं आ रहा। या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो आपको एडवांस टैक्स जो आपकी बैलेंस शीट में है वो 26S से मैच होना चाहिए। सर अगर बाई चांस ITC नहीं ले पाए तो कहाँ दिखाए ITC को? भाई अगर आप ITC कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं, अनक्लेम्ड ITC है तो उसे अनक्लेम्ड ITC में ही रखोगे एसेट साइड में, ठीक है जी। और अगर उसे कोस्टिंग बनानी है, नहीं तो फिर PNL में डाल दोगे अगर कोस्टिंग बनानी है, ठीक है जी। एडवांस टैक्स क्लियर हो गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो ये बैलेंस है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस आपका हमेशा मैच होना चाहिए पोर्टल के इनपुट टैक्स क्रेडिट से, और वो भी लेजर वाइज। वो भी कैसे मैच होना चाहिए? लेजर वाइज। CGST का अलग, SGST का अलग, IGST का अलग। कुछ लोग क्या करते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक ही लेजर बनाते हैं, मेरे हिसाब से वो गलत है। आप उसको पूरा मैच करके रखो कि क्या क्रेडिट लेजर में अलग अलग में हेड वाइज कितना बैलेंस आ रहा है। तो अगर आप हमारे केस में देखोगे तो हमने पोर्टल से ये मैच कर रखा होगा, ठीक है जी। इसके बाद जो कैश लेजर है, अब कैश लेजर में जैसे 3,30,000 रुपए बैलेंस आ रहा है, ये गलत होगा। सर ये गलत क्यों होगा? क्योंकि आपने क्या करा कि जो भी आपने पेमेंट करी टैक्स की उसे कैश लेजर में आपने पोस्टिंग कर दी, लेकिन कैश लेजर से वो पैसा कहाँ निकल कर गया उसकी पोस्टिंग आपने नहीं करी। कोई व्यक्ति पागल तो है नहीं कि जो कैश लेजर में बैलेंस पड़ा रखेगा, उसने हो सकता है कैश लेजर में पैसा लेकर वहां से DRC 03 से पेमेंट कर दी। तो अगर उसने DRC 03 से पेमेंट कर दी है, अगर उसने DRC 03 से पेमेंट कर दिया, तो भाई आप कैश लेजर को कम करो और जो लायबिलिटी उसने पे करी है वहां पर उसे दिखाओ, चाहे वो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, ठीक है, या किसी चीज की लायबिलिटी है, आप उसे वहां पर दिखाओ। तो कैश लेजर में बैलेंस होना ये बड़ा दिक्कत है। GST के कैश लेजर में जनरली बैलेंस नहीं होता है, ठीक है, समझ आई मेरी बात? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया हाँ जी। और सर की वी चार्ज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अभी इतनी बड़े बड़े टर्म्स पे मत जाओ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस पे पहली क्लास है। सर AIS में सो हो रहा है अब 26AS में नहीं, ऐसा पहले चेक करो कि AIS में आ रहा है 26AS में क्यों नहीं आ रहा, वो कब अपडेट होगा, ये सारी चीजें चेक करो। तो ये मैंने आपको GST का क्रेडिट लेजर और कैश लेजर की चीजें भी बता दी, ठीक है, क्योंकि कैश लेजर में बैलेंस आना आपका यहाँ पर चेक कर लेना ये गलत साइन है। कैश लेजर में बैलेंस जर्नली नहीं आता है, क्योंकि आज जर्नली लोग क्या करते हैं कैश लेजर में, शिवम खोलो, कैश लेजर में क्या होता है कि भाई जैसे ही पेमेंट होगी उसके बाद हमने उस पेमेंट को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया होगा। यहाँ तक क्लियर है या नहीं मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। क्या समझ आ रहा है बैलेंस शीट? क्या स्पीड स्लो है, फास्ट है, कैसे करना है ये बताओ। ऑल पे ऑफ GST शुड बी राउटेड कैश लेजर, क्लियर समझ में आ रहा है? चलो सर, अनक्लेम्ड ITC को PNL में दिखा सकते हैं, हाँ कोस्टिंग बना सकते हो अगर आपको क्लेम नहीं करना। TCS अमाउंट कैश लेजर में पड़ा रहा है तो दिक्कत है सर,
नहीं बैलेंस शीट में भी आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इस चीज को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि क्लाइंट्स के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी हो, ठीक है ना, तो इस वजह से मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने अभी क्लाइंट्स का लेजर खोल लिया, और जब मैं इस लेजर में गया पोर्टल पे, जब मैं पोर्टल में गया तो मैंने इसका कैश लेजर उठा दिया। यहां मैं सर्विस में गया, लेजर्स में गया, कैश लेजर, तो यहां पर कैश लेजर में जीरो बैलेंस है। और जब क्लाइंट का बीजी चेक कर रहे थे, वहां 3 लाख का था, तो आपको क्या करना है, कैश लेजर खोल लेना है जिस भी पीरियड का आपका है, ठीक है जी। और आप यहां पर देखोगे कि इस कैश लेजर से पेमेंट हो रखी है, हो रखी है या नहीं हो रखी, 50,000 की पेमेंट कर रखी है यहां पर हमने, बोलो, वॉलेंट्री पेमेंट हो रखी है हमारी। तो ये आपको जितनी भी पेमेंट आपने करी है, ये सारी की सारी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। 50,000 की वॉलेंट्री पेमेंट हमने कर रखी है 3 फरवरी को, और अगर आप देखोगे हमने, ठीक है ना, 1 लाख की वॉलेंट्री पेमेंट कर रखी है 13 जनवरी को। तो भाई ये जो 13 जनवरी को पेमेंट हमने कर रखी है, तो हमने इनकी एंट्रियां नहीं करी, हमने गवर्नमेंट को 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया, लेकिन हमने उसकी एंट्री कैश लेजर से पास ऑन नहीं करी। तो आपको उसकी एंट्री कैश लेजर से पास ऑन करनी पड़ेगी, कैश लेजर का बैलेंस ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट की एंट्री P&L अकाउंट में आएगी, ठीक है। तभी इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले हम GST में या इनकम टैक्स में पहले बैलेंस शीट पर काम करते हैं, फिर हम P&L पे आते हैं, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें P&L की ठीक होती है। तो यहां पर हमारे को इंटरेस्ट की एंट्री डालनी पड़ेगी। क्लियर हो गई मेरी बात या नहीं, बोलो। तो ये आप असेट्स का एनालाइज करना सीख गए। अब असेट्स में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है, तो भाई बैंक बैलेंस आप अपनी बैलेंस शीट से चेक कर लो, बैंक स्टेटमेंट मंगा के चेक कर लो। कैसे मंगा के चेक करोगे, कि भाई उससे बैंक स्टेटमेंट मंगा लो कि टाइम टू टाइम वो सही हो। यहां पर आपका पैसों में भी फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। रही बात जो ये आपका कैश बैलेंस है, ये आपका गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि यहां पर जो ये कैश बैलेंस आ रहा है, ये पैसों में आने लग गया। पैसों में कभी भी कैश बैलेंस नहीं आता, पैसों में कभी भी कैश बैलेंस नहीं आता। तो जो 89 रुपीज की एंट्री है कि तिरुपति इंडस्ट्रीज को पेमेंट करा, वो गलत है। आप 89 रुपीज को पेमेंट कर सकते हो उसे, क्या 89.56 कर सकते हो, नहीं। तो आपका जो कैश बैलेंस है वो आपका, ठीक है, बिल्कुल फिगर्स में आना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रख लेना, नोट कर लेना, अगर कैश बैलेंस में जितना अमाउंट आ रहा है 8,44,000, आप अपने, ठीक है, ओनर से ये पता कर लेना कि क्या आप जर्नली इतना कैश आपके घर में रहता है या नहीं। इसका मतलब अगर उसके घर में इतना कैश रहता है तो ठीक है, नहीं तो बैलेंस शीट में गड़बड़ है। कैश आपके बिजनेस में जितना है अप्रोक्सीमेट उतना ही रहना चाहिए। कभी भी आपके पास GST ऑफिसर, इनकम टैक्स कोई भी आ सकता है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं जी कैश तो 2 ही लाख रहता है, 3 लाख ही रहता है, तो इसका मतलब आपने कैश निकाल लिया लेकिन कैश के खर्चों की एंट्री नहीं करी। तो आप कैश के खर्चों की एंट्री को समय समय पर बुक कर ले, तभी आप प्रॉफिट लॉस को देख पाएंगे। तो यहां पर मैंने आपको असेट साइड पूरी करा दी है। अगर कोई व्यक्ति असेट साइड में किसी को दिक्कत है तो बताए। अब जैसे यहां पर स्टॉक इन ट्रेड 0 आ रहा है, तो हो सकता है कि स्टॉक इन ट्रेड हमने मार्च का ना डाला हो, तो आप अपने ओनर से टाइम टू टाइम पूछ ले कि भाई आपका जर्नली स्टॉक कितना रहता है, और उतना स्टॉक यहाँ पर अप्रोक्सीमेट डाल दे, जिससे कि अब आप प्रॉफिट एंड लॉस को ठीक करने की पोजीशन में हो। तो यहां पर मैं असेट साइड खत्म कर चुका हूं। अगर किसी को असेट साइड में कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताएं कि सर हाँ असेट साइड में ये कंफ्यूजन है, अदरवाइज फिर हम अपनी लायबिलिटी साइड पर चलेंगे। असेट साइड मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है असेट साइड को लेकर तो मुझे बताएं। अभी सिर्फ मैं बैलेंस शीट की असेट साइड कर कह रहा हूं, असेट साइड को किसी पे कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर ऑल क्लियर, असेट साइड ऑल क्लियर। तो हमने असेट साइड को देख लिया पूरी तरीके से, अब हम आते हैं लायबिलिटी साइड पे। जब लायबिलिटी साइड को चेक करेंगे तो आपने पहले यहां पर, आपको लायबिलिटी साइड में दिख रहा है लोन्स एंड लायबिलिटी,
तो ये जो लोन्स एंड लाइबिलिटी होता है, तो आपको ये चेक करना होता है कि ये लोन्स एंड लाइबिलिटी किस तरह का है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो लोन्स एंड लाइबिलिटी में हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपकी लाइबिलिटी साइड में कोई भी बैलेंस डेबिट साइड है, पहले उसे चेक करो। जैसे असेट साइड में क्रेडिट साइड को चेक कर रहे थे, ऐसे लाइबिलिटी साइड में उल्टा हो जाएगा। लाइबिलिटी साइड में जो भी आपका बैलेंस है डेबिट साइड में, पहले उसे चेक करो। जैसे कि हमारे पास पहला बैलेंस आया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लोन, तो भाई यहाँ पर आईडीएफसी बैंक का जो लोन था, अब आपका वो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बैलेंस आ रहा है 7,102 रुपए। तो भाई ये क्यों आ रहा है? ये तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी इसकी ईएमआई तो खत्म हो चुकी है ना। अगर ईएमआई होती तो फरवरी में होती, लेकिन फरवरी में तो ईएमआई है ही नहीं, बल्कि इसमें तो उल्टा आ रहा है कि हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ज्यादा पैसे दे दिए। यही तो आ रहा है कि लोन कम था, हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो ये गड़बड़ है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि या तो इंटरेस्ट की एंट्री पेंडिंग होगी। अब देख लेते, नहीं सर ये तो इंटरेस्ट की एंट्री नहीं डाल सकती। तो भाई यहां पर आपको ये चेक करना है कि बैंक से स्टेटमेंट मंगाकर, ठीक है ना, बैंक से लोन की स्टेटमेंट मंगाकर अगर लोन खत्म हो चुका है तो आप इसे जीरो करेंगे और आपकी जो लोन की एंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोन स्टेटमेंट से, लोन शेड्यूल से ही करेंगे। कल को इसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर इंटरेस्ट की एंट्री पेंडिंग है, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी छूट ना जाए, कुछ ना हो जाए। तो जैसे 7,102 रुपए डेबिट आ रहा है, तो कम से कम अपनी सेफर साइड के लिए क्या कर दो, ठीक है ना, अपनी सेफर साइड के लिए क्या कर दो, एक एंट्री पास कर दो, ठीक है ना, डेबिट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन मोबाइल, ठीक है, और क्रेडिट कर दो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है, बीइंग लोन एंट्री। ये मैंने क्या करा है, ये मैंने टेम्परेरी इलाज करा है, ठीक है ना, ये मैंने टेम्परेरी इलाज करा है। परमानेंट इलाज क्या है भाई? परमानेंट इलाज क्या है कि इसकी लोन की स्टेटमेंट मंगा के इसकी एंट्री ठीक करो। इसके अलावा सेक्शन 269 में एस में 2 लाख की लिमिट अमाउंट 1 ईयर के लिए है या 1 दिल। अब देखो ना, त्रिलोकी यादव जी ने भी कठिन क्वेश्चन पूछ लिया। अरे भाई इतने कठिन क्वेश्चन ना पूछो, अभी जब तुम्हें थ्योरी पे आऊंगा तो थ्योरी बताऊंगा, ठीक है, जितनी भी रेलिवेंट होंगी, ठीक है जी। तो अभी इसमें, अभी पहले आप ये समझो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करने में मजा आ रहा या नहीं आ रहा, बोलो। लिया लो सीखना है पहले? नहीं, बैलेंस शीट सीखनी सर, और बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, थैंक यू, ठीक है ना। तो प्लीज थोड़ा सा मेरा साथ दो त्रिलोकी यादव जी, समझो कि जिस माइंडसेट के लिए आज हम बैठे हैं, क्योंकि अगली क्लास एडवांस टैक्स की होगी, उससे अगली क्लास फिर हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की करेंगे दोबारा से, कुछ रह गया तो हमारा, फिर उससे अगली क्लास हमारी छुट्टी रहेगी, ठीक है, क्योंकि अयोध्या हम जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने लोग अयोध्या जा रहे हैं इस वाले ग्रुप में से हमारे साथ? अयोध्या वाले कितने लोग हैं भाई जो अयोध्या जा रहे हैं? अयोध्या वाला है क्या कोई इसमें? पता नहीं अयोध्या वाले नहीं भैया। तो हमारी जो ग्रूमिंग जैन फाउंडेशन है अयोध्या लेकर जा रही है, ठीक है। तो अगर किसी को अयोध्या चलना है तो वो अयोध्या डायरेक्ट पहुंच जाना, अयोध्या लखनऊ कहीं भी पहुंच जाना, वहां से हमारी टीम पिक कर लेगी। तो वहां पर हमारा एक एजुकेशनल ट्रिप है, ठीक है, 1 दिन की 2 दिन की ट्रिप है। तो उसका चार्ज नॉमिनल चार्ज है, बढ़िया, तुम्हें होटल में रुकवाएंगे 3 स्टार 4 स्टार में, ठीक है। वहां पे सरयू नदी में बोटिंग कराएंगे, सारी चीजें कराएंगे। तो अगर किसी को कोई अयोध्या के आसपास का है वो जाना चाहे, कोई दिल्ली से जाना चाहे, तो अपनी टिकट अयोध्या की या लखनऊ की कहीं की भी करा लेना, वहां से पिकअप है हमारा। अयोध्या, लखनऊ, बहराइच और गोंडा, 4 से हमारा है पिकअप। तो अगर कोई जाना चाहे मैं वहां पर जाऊंगा पर्सनली, ठीक है। हमारी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, वो एक तरीके से एजुकेशनल ट्रिप है, घूम भी लोगे। फीस उसकी बड़ी कम सी है, अगर आप एनुअल मेंबर हो वेबिनार के तो आई थिंक उसकी फीस 5500 है, एडवाइजरी बोर्ड में हो तो 5000 है, वैसे 6000 है, ठीक है। उसमें होटल में रुकना, खाना पीना सब कुछ हमारा है, ठीक है, ठीक है। वन डे विल प्लान इन हैदराबाद, हैदराबाद में प्लान तुम करो, हैदराबाद में प्लान तुम करो। विनील कृष्णा जी हैदराबाद में आए हो 2-3 बार, ठीक है। 4 मीनार है वहां पर, और एक पता नहीं कौन सा है,
चार मीनार है, रामोजी सिटी है, ठीक है, घूम के गया था मैं, ठीक है। 25 मार्च और 26 मार्च नहीं, वाराणसी का से पिकअप नहीं है, वाराणसी से नहीं है, लखनऊ से पिकअप है, अयोध्या से पिकअप है, बहराइच से पिकअप है और गोंडा से, ठीक है ना। 25 मार्च की सुबह आपको होटल में चेक इन कराएंगे, 26 मार्च को तुम्हारे को होटल से एग्जिट कर देंगे, लेकिन शाम तक का टूर रहेगा, अयोध्या टेम्पल भी जाएंगे, सरयू नदी भी जाएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो अब इस पे आ जाओ बैलेंस शीट पे, है ना। तो इनकम टैक्स की जिस क्लास की छुट्टी है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही छुट्टी मत करना, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। सलारगंज म्यूजियम भी है, मैं गया था सलारगंज म्यूजियम भी, एक वहां पर लेक है कोई, वो बहुत बढ़िया थी, ठीक है ना, वो मुझे याद नहीं आ रही कौन सी थी, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। अब ये जो लोन दे रखा है भाई, अब ये जो लोन है क्या कर रखा है, लोन वाली एंट्री में पेमेंट कर रखी है 9 लाख की, रिसीव्ड कर रखा है, ठीक है, पेमेंट कर रखी है कितने की, 9 लाख की, तो रिसीव्ड कर रखा है हमने कितना, 3,80,000। तो ये भाई ये लाइबिलिटी कैसे हुआ, ये तो असेट्स हो गया ना, ये तो हमारी असेट्स हो गई, तो इसका हेयर चेंज कर दो कि भाई हमने लोन लिया थोड़ी है, ये लोन हमारा असेट्स है, ठीक है ना। लोन लाइबिलिटी की जगह इसे चेंज कर दोगे असेट्स, अगर आप इन चीजों को साथ के साथ करते रहोगे तो तुम्हारी बैलेंस शीट ओके चलती रहेगी, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, लोन हमारे बैंक ओडी था, हमने उसे टैली कर लिया, और जो हमारा कार लोन था हम उसे टैली कर लेंगे, अगर एंट्री नहीं डली होगी इसमें इंटरेस्ट की एंट्री डली होगी, ठीक है, लोन की स्टेटमेंट से मिला लेंगे, ठीक है जी। चलो अब बात यहां पर कर रहे हैं किस चीज की, ठीक है, करंट लाइबिलिटी और कैपिटल, ठीक है, पहले कैपिटल को निपटा लेते हैं। कैपिटल में ज्यादा कुछ नहीं होगा, यहां पर जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओ तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप में जर्नली होता क्या है कि जो प्रोप्राइटर होता है वो अपने सेविंग अकाउंट से बहुत पैसा डालता रहता है, बहुत निकालता रहता है, तो आप सारी एंट्रियों को कैपिटल अकाउंट से रूट ना करें। अगर आप देखेंगे तो हमने कैपिटल अकाउंट से ज्यादा एंट्रियों को रूट नहीं कर रखा, हमने क्या कर रखा है कि भाई दो लेजर बना रखे, ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट और ट्रांसफर टू सेविंग अकाउंट। तो हम जर्नली जो भी एंट्री इसके अंदर आती है तो हम उसे ऐसे ही ट्रीट करते हैं, जब भी कोई रिसीप्ट हुआ तो हमने कैपिटल अकाउंट में नहीं डाला, क्या डाला, ट्रांसफर, ठीक है ना, फ्रॉम सेविंग अकाउंट, ठीक है। और जो भी हमने पेमेंट करी उसे हम किस में डालते गए, ट्रांसफर टू सेविंग अकाउंट। सर इसे ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है, बेटा इसे ऐसा करने से फायदा ये हो रहा है कि इसका ना सेविंग अकाउंट मंगा लेंगे और इन सारी एंट्रियों को एक लड़के को लगा देंगे कि भाई चेक कर ले कि क्या ये सेविंग अकाउंट में गई है या नहीं गई, और अगर वो सेविंग अकाउंट में गई होगी तो ठीक है, नहीं तो वो एंट्री गलत है, ठीक है जी। और कभी भी प्रोप्राइटर हमसे पूछता है कि भाई मैंने पूरे साल में क्या करा, तो आप उसे बता सकते हो कि भाई इतना तुमने निकाला था और इतना तुम ले गए। तो हमने दो अलग अलग लेजर बना लिए, एक बना लिया ट्रांसफर फ्रॉम और एक बना लिया ट्रांसफर टू, ठीक है, क्योंकि ये जो सेविंग अकाउंट में आना जाना रहता है ये बहुत लोगों का रहता है, तो ट्रांसफर फ्रॉम कर लिया और ट्रांसफर टू कर लिया, ठीक है। और सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट नोट कर लो, सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट मंगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये ट्रांसफर फ्रॉम हो गया, ये ट्रांसफर टू हो गया, तो जब आप इसका बैलेंस शीट बनाओगे एक्सेल में तो अलग से ही लिख दोगे कि ट्रांसफर फ्रॉम इतना है, ट्रांसफर टू इतना है, ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट में अलग आ जाएगा। सर ड्रॉइंग्स का क्या है, हाँ अगर इसके अंदर कोई 20,000 रुपए महीना 30,000 रुपए महीना अलग से निकाल रहा है एक पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति को, ये बोलो, हाँ दोनों का ग्रुप कैपिटल में ही आ जाएगा, ठीक है ना, ट्रांसफर फ्रॉम और ट्रांसफर उसमें, ठीक है। हाँ जी सर, इसका एक लेजर से भी हो सकता है, एक लेजर से करोगे ना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, जब मैं ट्रांसफर टू सेविंग करता हूँ तो क्या होता है कि मैं सारी एंट्री यहां से चेक कर लेता हूँ, ट्रांसफर फ्रॉम करता हूँ यहां से चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो कई बार इस तरीके से हो जाता है, मुझे एक बार अमाउंट क्लियर रहता है, एक लेजर करना चाहो एक लेजर भी कर लो। सर एक चीज पूछनी है, अब अभी आता हूं मैं, अगर आपका कोई, ठीक है ना, अगर आपका कोई ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स को जरूर डालो, अगर सर क्या ड्रॉइंग्स डालना मैंडेटरी है,
भाई पहले ना इस चीज को समझ लो, अपने आप को म्यूट कर लो सर, पहले इस चीज को समझ लो। अगर आपके प्रोप्राइटरशिप का जो व्यक्ति जिसकी आप बैलेंस शीट कर रहे हो, अगर उसके घर में कोई और भी पैसा कमा रहा है, तो अगर आप ड्रॉइंग ना भी डालो तो चलेगा। लेकिन अगर आप खुद ही कमाने वाले हो और आपने अगर ड्रॉइंग नहीं डाली, तो इनकम टैक्स ऑफिसर एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई तुम्हारे घर का खर्चा चलता कहां से, तुम ड्रॉइंग नहीं डाल रहे, तो तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि भाई मेरे घर का खर्चा चलता कहां से, मैं गुरुद्वारे जाकर खाना खाता हूं, मैं तो कपड़े पहनता ही नहीं हूं। तो इसलिए हर व्यक्ति उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसके घर का खर्चा जितना हो सकता है उसकी वो ड्राइंग्स जरूर निकालो। अगर आप ड्राइंग्स नहीं निकालोगे तो इनकम टैक्स ऑफिसर ये मान सकता है कि तुम घर के खर्चे के लिए कैश में पैसा लाते हो और तुम्हारी ब्लैक की भी इनकम है, कच्चे की भी इनकम है, ठीक है। इसलिए चाहे असेसी कहे कि भाई मत निकालो ड्राइंग, लेकिन फिर भी ड्राइंग्स आपको निकालनी है। लेकिन अगर आपके घर में आपकी वाइफ कमा रही है, मदर कमा रही है, जी जी बोलिए सर, अगर किसी फर्म की किसी पार्टी का सेविंग अकाउंट है और उसका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है, तो सेविंग अकाउंट गिनती करना जरूरी है क्या, उसकी पर्सनल बुक्स मेंटेन करना जरूरी है? नहीं नहीं, अभी आपको बता दे रहा हूँ, जब भी कभी आप यहाँ पर पर्सनल अकाउंटिंग करते हो, बुक्स की करते हो, तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे ये ट्रांसफर टू और ट्रांसफर फ्रॉम मैंने डाल दिया, मैंने सेविंग अकाउंट को नहीं लिया। आप कहोगे सर सेविंग अकाउंट भी कर लेते, भाई मैं क्या सेविंग अकाउंट के पैसे ले रहा हूँ इनसे, सेविंग अकाउंट मेरे एरिया में ही नहीं आता, उसमें तो 100-150 रुपए की एंट्री आऊंगी, मैं तो उसमें भी परेशान हो जाऊंगा। तो भाई सेविंग अकाउंट की एंट्री आपको नहीं करनी होती, लेकिन उससे रिलेटेड जो एंट्री है वो आपको दिखानी होती है, ठीक है। अगर सेविंग अकाउंट में बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है तो आपको उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर बिजनेस बिजनेस में अगर पैसा आया, मान लीजिए प्रोप्राइटर के सेविंग अकाउंट से, तो एंट्री करनी चाहिए ना उसकी बुक्स मिलाकर। नहीं आप देखो ना, नहीं बिजनेस में पैसा तो मेरे केस में भी आया है, लेकिन मैंने सेविंग अकाउंट की एंट्री नहीं करी, मेरे पास जो पैसा आया गया उसकी बस उसकी एंट्री कर ली, उसे मैं कैपिटल से रूट दिखा दूंगा। एक नई कंपनी बना करके प्रोप्राइटर के नाम से एक नई कंपनी बना के उसमें तो करना पड़ेगी ना एंट्री? नहीं उसमें जरूरी नहीं है ना करनी, अगर करोगे तो काम बढ़ेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन वगैरह जो अपने इंटरेस्ट जो उसमें मिलता है वो तो भाई जब आप आईटीआर करोगे, अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव करा है कुछ करा है तो वहां पे कर लोगे, ठीक है ना। क्योंकि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ऐसा तो जरूरी है नहीं ना कि लाखों रुपए में आ रहा है वो आपको जीएसटी में दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, हम तो नहीं दिखाते, ठीक है। और वो भी एग्जेम्प्ट इनकम है, कोई मैटर नहीं। अब अगर आप देखोगे तो मेरा कैपिटल अकाउंट बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर मेरा ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट हो गया, ट्रांसफर टू हो गया, सेविंग अकाउंट मंगाकर एक एक एंट्री टिक कर लो, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर यहाँ पर हमारे को ये चीज क्लियर। तो जब ये आप सेविंग ये तीनों चीजों कर लोगे, तो देखो मैंने LIC का अलग अकाउंट बना रखा है, क्योंकि मैं इसे कैपिटल में नहीं घुसेड़ना चाहता था, कैपिटल में घुस जाता तो मुझे यही नहीं पता चलता डिडक्शन कितने की मिलेगी। जब मैं इसकी ITR भरूंगा मुझे पता इतने की इसने LIC की डिडक्शन लेनी है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स रिफंड था वो मेरा अलग आ गया, जब बैलेंस शीट फाइनल करूंगा सबको क्लब कर दूंगा। तो कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया या नहीं बोलो, कैपिटल अकाउंट को कैसे स्क्रूटनी करना है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया सर। चलिए अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे, लास्ट पे करंट लाइबिलिटी। जब करंट लाइबिलिटी पे जाएंगे, जी जी सर, कई मतलब CA लोग बोलते हैं कि पर्सनल अकाउंट भी अलग बनाओ और बिजनेस अकाउंट अलग बनाओ। भाई वो तब बोलते होंगे कि पर्सनल अकाउंट अलग बनाओ और बिजनेस अकाउंट अलग बनाओ जब उसके पर्सनल अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन है। तो हम क्या करते हैं कि उसका जो सेविंग अकाउंट आता है वो डिपेंड करता है कि वो फीस कितनी दे रहा है। तो अगर उसका सेविंग अकाउंट आता है तो मोटा मोटी या तो हम उसे एक्सेल पे बना लेते हैं, अगर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो मैं तुम्हें दिखा दूं हम बिजी पर भी बना ले, ये टैली पर भी बना लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसमें ट्रांजैक्शन कितनी है, ठीक है जी, क्लियर हो गई मेरी बात। तो अगर आपको बनाना है बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट उसके पैसे आप चार्ज करना फिर, ठीक है। चलो अब अगली कहानी चलते हैं भाई, अगली कहानी आ गई करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में हमारे को कुछ चीजें चेक करनी है,
पहली चीज है ये जो जो ड्यूटीज एंड टैक्सीज है इसमें क्या गड़बड़ कर रखी है कि इसकी ना एडजस्टमेंट नहीं कर रखी। इधर एक आईजीएसटी आउटपुट आ रहा है और इधर सीजीएसटी इनपुट आ रहा है, सर इसकी एडजस्टमेंट आपने नहीं कर रखी। सर क्यों नहीं कर रखी इसकी एडजस्टमेंट? भाई साहब अकाउंटेंट साहब को आती नहीं एडजस्टमेंट करनी, ठीक है ना? तो कैसे करनी है इसकी एडजस्टमेंट? करा दू एंट्री, अब 5-10 मिनट लेट होगा लेकिन करा दू एक दो एंट्री। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? लॉग इन करो, बोलो जी एडजस्टमेंट एंट्री। हाँ यस सर करवा दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि 9 बजे डायरेक्ट एकदम 9 बजे करेक्ट जाना हो खाना बनाने। नो सर, नो सर, नहीं सर बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है सर पढ़ने से। बहुत अच्छा लग रहा है सर पढ़ने से। चलो तो मैं अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री बताता हूँ, ठीक है ना? अब एडजस्टमेंट एंट्री बताता हूँ कैसे करनी है। देख लो भाई एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी 3B पर जाना पड़ेगा। आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो, मैं 3B पे जाता हूँ। तो मैंने क्या सर्विसेज पर, रिटर्न्स पर और रिटर्न डैशबोर्ड में, ठीक है, इसकी जो 3B है दिसंबर की, उस 3B पर गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं दिसंबर की 3B पे गया तो मैंने यहाँ पर व्यू GSTR 3B देखा, तो मैंने क्या देखा इसकी आउटवर्ड की लाइबिलिटी थी, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर जाऊंगा 6 नंबर की टेबल पे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना स्क्रीनशॉट खींच के रखना होगा। ये मैं किस पे गया भाई, यहाँ पर दिसंबर की 3B पे। तो यहाँ पर जब मैं इसकी पेमेंट ऑफ टैक्स में गया, यहाँ तक आ जाओगे भाई टेबल नंबर 6 में, टेबल नंबर 6 में यहाँ पर आ गए पेमेंट ऑफ टैक्स में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसकी IGST की लाइबिलिटी थी 6,53,412 की और उसने वो लाइबिलिटी पे कर दी ITC से, IGST के 6,53,412 से, ठीक है, राइट। नोट कर लेना ये फिगर एक बार, है ना, 6,53,412 दिसंबर की फिगर है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहीं से इस फिगर को लेना है और यहाँ पर अब आना है हमारे को किस पे, अपनी बीजी पे। हमारे को दिसंबर में एंट्री करनी है, ये है ना 6,53,411.91, ठीक है। तो आप एक JV पास कर लोगे, ठीक है, JV पास कर लोगे। इस JV को आप 31 दिसंबर में ही पास कर लेना, IGST आउटपुट कितना था भाई दिसंबर का आउटपुट, 6,53,412। तो 6,53,412 और कहां से पे करा, IGST इनपुट, और यहां पर नीचे लिख दोगे, ठीक है ना, IGST आउटपुट पेड थ्रू ITC एज पर GSTR 3B, और इसे सेव कर दोगे। भाई अगर कोई बिजी में एक्सपर्ट होता है वो ऑटोमेटिकली कर लेता है, मैं इस तरीके से सिखा रहा हूं। अगर आप एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो भी आप इस एंट्री को कर लें, ठीक है। एक मैं सीधे बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में सिखा रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, ये वाली एंट्री क्लियर हुई किसी को या नहीं, बोलो ये वाली एंट्री क्लियर हुई, हमने कैसे करी? हाँ बोलो, एंट्री क्लियर है, क्लियर है सर। कोई बात नहीं, अभी मैं नवंबर की करूंगा तो भी क्लियर हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पर बैक करा, जब भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो हमारे को क्या करना, पोर्टल पर जाना रहेगा भाई और 3B में जाना रहेगा। किसमें जाना रहेगा, 3B में। अब मेरे केस में जो 3B है वो मंथली है, तो मैं अक्टूबर से दिसंबर में नवंबर की 3B में गया और यहाँ पर जाकर मैंने 3B खोली और 3B की टेबल नंबर 6 में गया, टेबल नंबर 6 में गया। तो यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ कि भाई आपकी 286,000, ये जो पहले कॉलम में लाइबिलिटी आती है इसका मतलब ये लाइबिलिटी है 286,549, और हमने पे किससे करी है, ITC से करी है, कितने, 286,549। फिर त्रिलोकी यादव जी कह रहे हैं RCM की एंट्री कैसे एडजस्ट कराते हैं ये बताओ। अब भाई पहले आसान समझो, ठीक है ना, RCM वाली भी बता दूंगा, धीरे धीरे बता दूंगा।
तो जो लोग आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ आज का कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है अभी रिमेनिंग पेमेंट देकर अगले वीक का भी सेशन अटेंड करना, पूरा सेशन अटेंड करना, तो मजा आएगा तुम्हारे को। खाली आज का सेशन अटेंड करके निकल जाओगे बेटा तो आधी चीजें समझ आएगी, आधी नहीं। सर आपने तो कहा था सारा कुछ करा देंगे, अरे सारा कुछ अगर मैं करा देता, कोशिश तो यही थी, लेकिन जब मैं पढ़ाने आपको लगा तो मुझे लगा कि इससे ज्यादा स्पीड करूंगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि सर पैम्पलेट पे तो बहुत सारी चीजें लिखी थी, आपने कराई कम, लेकिन समय 2 घंटे लिखा था तो 2 घंटे जरूर पढ़ूंगा, समझ में आई मेरी बात। तो आरसीएम की एंट्री आज की क्लास में तो नहीं करा पाऊंगा, कोशिश होगी लास्ट में करा दूं। इस एंट्री को रिपीट कर लो दोबारा, 286549, ठीक है जी। तो यही वाली एंट्री 286549 की, ठीक है, 30 नवंबर में, 30 नवंबर। IGST आउटपुट तो यहां तो आपके लिए बड़ी सिंपल थी, सेमी एंट्री है 286549, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर आप एंट्री एडजस्ट करोगे तो ये आपका आउटपुट एक तरीके से जीरो हो जाएगा। ये 653 कहां चला गया भाई, 653 भी कर तो दिया था हमने, अच्छा हमने उसी एंट्री को चेंज कर दिया क्या, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से अगर आप ये वाली एंट्री भी कर लोगे, कौन सी है, जुलाई की, कब की है, जुलाई की, तो जुलाई में कितना था अमाउंट, 995014, ये वाली एंट्री करने से हर अकाउंटेंट डरते हैं, ठीक है। तो अगर आप अब देखोगे, ठीक है ना जी, अगर आप अब देखोगे हमारा क्या हो गया, ठीक है, हमारा आउटपुट बिल्कुल खत्म हो गया, सिर्फ 100 रुपए का बचा हुआ है। IGST इनपुट क्रेडिट में आ रहा है, भाई ये क्रेडिट में कैसे आ सकता है IGST इनपुट, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ इसके अंदर भी है, ठीक है ना जी। तो IGST इनपुट हमेशा डेबिट में आएगा, कभी भी ये क्रेडिट में नहीं आ सकता, ठीक है जी, क्योंकि हमारे को ये समझो कि हम ये लायबिलिटी का लेजर चेक कर रहे हैं। तो ये IGST इनपुट अगर ये हमारा आ रहा है यहाँ पर कि भाई ITC था ही नहीं तो तुमने उसे एडजस्ट कैसे कर लिया, तो ये बड़ा गड़बड़ वाली बात है, ठीक है। आपको हमेशा ये समझना है कि जो ITC के लेजर्स हैं, ठीक है ना, जो GST के लेजर्स हैं वो आप यहां से मैच कर लो। अगर आपकी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है तो आप उन एडजस्टमेंट एंट्री को कर लो, जैसा कि मैंने तुम्हें यहां पर करके दिखाया है, ठीक है ना। अब अगर आप यहां पर देखोगे IGST इनपुट में ऊपर 0 बैलेंस डला हुआ है, क्या डला हुआ है, ऊपर 0 बैलेंस डला हुआ है, जबकि जब हमने बैलेंस शीट फाइनल करी होगी तो कुछ ना कुछ तो बैलेंस हो गई ना भाई, ठीक है ना। अब हमारे 2 लेजर यहाँ पे डले हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो बैलेंस हो गई। तो आप यहाँ पर जरा देखोगे तो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ भी खड़ा हुआ है, तो इनके जो ओपनिंग बैलेंस है हमें ये तीनों ओपनिंग बैलेंस वहां पर डालने हैं। जब हम ये तीनों ओपनिंग बैलेंस वहां पर डाल देंगे तो हमारे लेजर्स मैच हो जाएंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात या नहीं। सर हमने IGST ये GST के क्रेडिट लेजर को बैलेंस शीट में असेट्स में डाले थे, इस वजह से ही असेट्स में भी डाल दिए और एक तरफ लायबिलिटी में भी पड़े हुए हैं, तो लेजर एक ही होने चाहिए, तो इस वजह से ये यहाँ पर गड़बड़ आ रही है। तो अगर मैं आपको बताऊं ये तीनों लेजर, एक में 8858 आ रहा है, एक में 909275 आ रहा है, ठीक है। अगर आप ये वाला बैलेंस वहां पर डाल दोगे, कहां पर डाल दोगे, इन ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर में,
तो आपके क्रेडिट लेजर मैच हो जाएंगे। तो क्या बोलो, जीएसटी से पोर्टल कैसे मैच करते हैं, ये क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, बिल्कुल सही बताया महेंद्र कुमार जी। तो अब आपको जीएसटी से लेजर मैच कर लोगे या नहीं, बोलो भाई। हाँ भाई, ये देखो इसमें ना 2 घंटे लग सकते हैं, 4 घंटे लग सकते हैं, लेकिन ये करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो हम देख लें। इसके अलावा एक्सपेंसिव पेबल अगर आपके कोई खड़े हुए हैं तो उन्हें पेमेंट कर दो, चेक कर लो कि भाई एक्सपेंसिव पेबल क्यों है। टीडीएस का जो लेजर है वो टीडीएस के रिटर्नों से मैच होना चाहिए। अगर आपका टीडीएस का लेजर टीडीएस की रिटर्नों से मैच नहीं है तो बड़ी दिक्कत है। आपके पास सिर्फ 1 मंथ का ही पेबल होना चाहिए। यहाँ पर ये टीडीएस का लेजर इनका मैच नहीं है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऊपर से लेजर चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर टीडीएस के लेजर में इनके गड़बड़ है, तो टीडीएस का लेजर मैच होना चाहिए। अगर कोई पेबल खड़ा हुआ है, पुराना खड़ा हुआ है, तो वो चेक करो कि भाई किसका पेबल है और क्यों पे नहीं कर रहे, उसे पे कराकर खत्म करो। तो क्रेडिटर्स के अंदर हमारे को ये देखना होता है कि जैसे 11 रुपए का बैलेंस आ रहा है, ये 0.10 इन बैलेंसों को खत्म कराओ। और अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो चेक करो कि क्या एडवांस पेमेंट करा है। अगर एडवांस पेमेंट करा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर एडवांस पेमेंट नहीं है तो कंफर्मेशन लो, क्योंकि क्रेडिटर में अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब यही निकल कर आता है कि भाई आपने क्या करा, आपने क्या करा, आपने ठीक है या तो बिल चढ़ाना भूल गए, या आपने ज्यादा पेमेंट करी एडवांस में, या किसी की पेमेंट किसी के अंदर डली हुई। तो आपको जब भी कभी ठीक है ना क्रेडिटर चेक करने हैं। अब जैसे आईसीआईसी बैंक डाला हुआ है क्रेडिटर, आईसीआईसी बैंक कभी क्रेडिटर हो सकता है? आंसर इज नो। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेजर गलत, ठीक है ना। आपको हमेशा ये चीज चेक करनी है कि सारे लेजर्स को प्रॉपरली वॉच करना होता है कि भाई आपका लेजर ठीक है या नहीं। इसे हम ठीक है ना, इसे हम ठीक है ये चेक करते हैं कि भाई हमारी जो बुक्स है, या इसे हम लेजर स्क्रूटनी भी बोलते हैं। अब जैसे क्रिस्टल ऑटो कार्स का लेजर है, अरे भाई 21,000 का बिल है, ऐसा हो सकता है कि 21,000 का बिल हो और उसने अभी तक पेमेंट ही ना ली हो? ऐसा हो सकता है? और क्रिस्टल ऑटो कार वाला ऑफिस में मेंटेनेंस करेगा तुम्हारे आगे? अरे ये ऑफिस मेंटेनेंस नहीं होगा, ये कार मेंटेनेंस होगा। और अगर कार मेंटेनेंस है तो भाई तुमने इसका आईटीसी क्यों ले लिया? अगर कार मेंटेनेंस है तो तुमने उसका आईटीसी क्यों ले लिया? आप समझे मेरी बात? कार रनिंग का आईटीसी नहीं मिलता, 17(5) में ब्लॉक है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आईटीसी रिवर्सल होगा। ठीक है, व्हीकल इंश्योरेंस का आईटीसी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, कार से रिलेटेड कुछ भी नहीं ले सकते। ट्रक का मिल जाएगा भाई, तो अभी जीएसटी का क्वेश्चन ना पूछे। कल हम मारे हैं, हमारा जीएसटी का फेस टू लाइव बैच चल रहा है ना, जैसे ये चल रहा है, कितने लोग आते हैं उसमें? सब लोग आते होंगे, नहीं आते तो रजिस्ट्रेशन करा लेना, उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है ना, कल 3 से 7 में मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन चैप्टर चल रहा है उसमें जी। है ना, कितने लोग आते हैं यहाँ से? और कल हाई कोर्ट की जजमेंट वाला सेशन भी है, जो अभिषेक राजा राम जी ले रहे, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ले लेना, हमारा हर सेशन पैसा वसूल होता है। ठीक है जी, हाँ कई लोग आते हैं, तो यहाँ पर ही आईटीसी रिवर्सल होगा। अब इस गलती को कैसे पकड़ूंगा मैं, जरा देखना। 16 नवंबर का बिल है 21,724 रुपए का, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई गाड़ी वाला सर्विस कर दे और हमने पेमेंट ना करी। तो ये जो 21,700 ठीक है जी, ये जो 21,724 का बिल है, 744 का इसकी पेमेंट हुई होगी। सर कैसे हुई होगी, कितने कॉन्फिडेंस से ऐसे क्यों कह रहे हो? अभी मैं आपको दिखा देता हूं, या तो इसने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी होगी। कब का बिल था भाई वो, कब का बिल था? 21,744 16 नवंबर। सर यहां तो कोई पेमेंट नहीं कर रखी, तो भाई ऐसा हो नहीं सकता कि इस व्यक्ति ने पेमेंट ना करी हो इसकी।
क्योंकि कार वाला कोई उधार नहीं देता, सर्विस वाला। हुआ क्या होगा, इसने क्रेडिट कार्ड से करी होगी, हुआ क्या होगा क्रेडिट कार्ड से करी होगी, तो आप इसे चेक कराकर अगर उसने क्रेडिट कार्ड से करी है तो उसकी पेमेंट क्लियर करें। तो यहाँ पर आपको ऐसे सारे क्रेडिटर्स को अपना क्लियर कर लेना होता है। तो अब हमने यहाँ पर असेट साइड भी कर ली और हमने लायबिलिटी साइड भी कर ली। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज फिर हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। अगर ये क्लियर है तो बताओ, अदरवाइज हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। सर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब हमारे को चलना है प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो चले प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाओ जी। जब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई, ठीक है ना, अब हमें थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस ओवरव्यू करेंगे ऊपर ऊपर, डिटेल्ड में ये चलेगा हमारा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास इन द सेंस नेक्स्ट क्लास अगली रखेंगे एडवांस टैक्स की, तो या तो वहां पर हम इसे क्लियर करेंगे, या जो हमारी अगली क्लास होगी 18 तारीख को, 11 तारीख को एडवांस टैक्स, 18 को दोबारा से बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, तो उस क्लास में कर ले, ठीक है जी। तो जो लोग सिर्फ सिंगल पेमेंट कर आए, उन्हें कोई नाराजगी तो नहीं है कि सर कम कंटेंट कराया आपने, दो घंटे में कम कंटेंट कराया, ये नाराजगी तो नहीं है भाई। सिंगल वाले जो सिंगल पेमेंट से आए हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जो सिंगल पेमेंट से आए हैं, अगर नाराजगी है तो अभी कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा और। नहीं, कह रहे नाराजगी नहीं है भैया, हम पूरे बैच में आ जाएंगे, ठीक है। तो कल के दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कि कल 11 से 1 में अभिषेक राजा राम जी पढ़ाएंगे हाईकोर्ट जजमेंट, और 3 से 7 में हमारा रजिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है। चलो, तो इसमें मैं पीएनएल में भी बता दूं, अगर आपको याद हो, हालांकि भूल गए होंगे आप, कि इसकी पिछले साल टर्नओवर 3.25 करोड़ की थी, तो इस बार जो टर्नओवर है अभी अभी 1.38 की हुई है। तो कल को यहाँ पर इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इतनी कम टर्नओवर क्यों हो गई तुम्हारी, तो तुम बता सकते हो रीजन। हालांकि अपने प्रोप्राइटर को बोल दो कि भाई टर्नओवर में काफी डिफरेंस आ रहा है, तो वो बता देगा सर अभी ना मार्च में 1 करोड़ का माल जाना है, तो लगभग बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर फिर भी पूछे तो बताओ, और वैलिड रीजन लिखो अपनी नोटबुक में कि भाई पिछली बार यूक्रेन और रशिया का युद्ध नहीं चल रहा था, इस बार यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से हमारा सारा एक्सपोर्ट यूरोप में होता था, उस वजह से हमारी सेल नहीं। अब इसके बाद हमारे को क्या चीजें चेक करनी होती है कि भाई जो ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये बहुत हमारे को मैंडेटरी है चेक करना। और इसके बाद ये जो जीपी और एनपी है, अब ये जो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है हमारा 25 लाख का, तो हमें रेशियो निकालना कि भाई आपका जीपी रेशियो कितना है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आपको सारे एक्सपेंसेस का, जैसे लेजर स्कूटनी बताया है, सारे एक्सपेंसेस का करा दूंगा, और फिर पूरा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। आज जल्दीबाजी में ना करें ना, नेक्स्ट क्लास में करें ना, तसल्ली में। अभी क्लास को वाइंड अप करें, क्या करें बोलो भाई, सब लोग लिखकर बोलो क्या करना है, क्लास वाइंड अप करनी है या अभी आधा घंटा जल्दीबाजी में कुछ करना है या नेक्स्ट क्लास करना है? आज के लिए एंड कर दे सर। हाँ, आज के लिए एंड कर दे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। गोपाल गौर जी कह रहे कंटिन्यू, सर कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज फॉलो काफी अच्छा फ्लो बना हुआ था स्टडी का। सर कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए सर। देखो ज्यादा लोग कह रहे हैं वाइंड अप कर दो सर, वाइंड अप। सर एक्चुअली क्या, फ्लो काफी अच्छा बना हुआ स्टडी का, फिर आफ्टर वन वीक दोबारा रिवाइज करना। सर कंटिन्यू कर दीजिए सर, सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज, एक्चुअली थोड़ा सा ही बचा है ये तो आप। नहीं नहीं, ऐसा होता है, देखो मेरे को, मैं कंटिन्यू कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अमित जी कह रहे सर, मैं कह रहा हूँ कि कल जैसे वो पूछ रहे अमित जी कि सर क्या मैं हाई कोर्ट का सेशन अटेंड कर सकता हूँ, आंसर इज नो, क्योंकि हाई कोर्ट का सेशन वही अटेंड कर सकते हैं जो एनुअल वेबिनार मेंबर है या उसकी सिंगल फीस दी है किसी, ठीक है। तो अभी देखो काफी लोगों का कहना है कि भाई वाइंड अप कर दो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो टाइम दिया है ना 9 बजे, तो हम उसके बाद भी नहीं कर सकते, कई लोगों की कमिटमेंट है, कई लोगों ने वादा करा अपनी वाइफ को, ठीक है ना, कि अभी हमें खाना बनाना है, ठीक है। तो मैं उनकी और सबका अलग अलग शेड्यूल पर रहता सर, ठीक है। अजीत जी कह रहे हैं कि वो मॉर्निंग से वर्किंग है, तो अभी हम इस क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर
एडवांस टैक्स करेंगे, और अगर हमें उसी में समय मिला तो उसी में प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने बैलेंस शीट को कराए, और इसी तरीके की सारी क्लासेस चलेंगी। तो जो सिंगल क्लास वाले वो प्लीज रजिस्टर कर लो, 12 बजे तक कर लो, पागल हो गए भाई, मेरे को मेरी बीवी मारेगी, ठीक है। कई लोगों को ऑफिस होता है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। 5-10 मिनट में रुका हुआ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, अदरवाइज वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा डिटेल में, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट कब है? 11 तारीख को एडवांस टैक्स की क्लास होगी, ये सैटरडे ही रहेगी। 11 को एडवांस टैक्स क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है 15 को कोई आपको जमा कराना पड़ जाए सर, इसलिए कई बार क्लास में ऐसा होगा कि अब आप कहोगे सर फ्लो बना हुआ P&L ही करा देते, नहीं नहीं 11 तारीख को मेरा मानना इम्पोर्टेंस है एडवांस टैक्स की, तो 11 तारीख को एडवांस टैक्स, ठीक है ना। और ये जो आप रिव्यू डाल रहे हो तो कोशिश है कि गूगल पर रिव्यू डालना, ठीक है, जिससे हमारे को थोड़ा सा फायदा हो, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज वो लीव कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, तो थोड़ा सा अगर आप पढ़कर आ सकते हो एडवांस टैक्स क्या है क्या नहीं है, कैसे कैलकुलेशन होती है, वो सारी चीज हम इसमें देखेंगे। नहीं जमा करने पर क्या होता है ये बताएंगे, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234CBA ये क्या होता है, ये चीजें बताएंगे। तो प्रिपेयर रहिएगा एडवांस टैक्स के लिए, ठीक है। एक एडजस्टमेंट एंट्री पे भी रख दीजिए सर एक लेक्चर कोई, नहीं इसमें क्या है ना, ये तो फुल कोर्स है, आप समझो दिस इज नॉट अ वेबिनार, दिस इज अ लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस ऑफ बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन इनकम टैक्स एंड ROC। तो इसमें तो लगभग हम 25-30 सेशंस करेंगे, मेरा को ऐसा लगता है कि अगर 2-2 घंटे के सेशंस हुए तो हम लगभग 20-25-30 सेशंस करेंगे, ठीक है ना। और ये बैच ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो जाएगा, ये सितंबर अक्टूबर तक चलता है, कि जो जो चैप्टर आ रहा है वो चीजें करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे अप्रैल से हमारी ITR की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, अप्रैल में ITR 1, 2, 3, 4, 5, फिर हमारा टैक्स ऑडिट वाला शुरू हो जाएगा, फिर अक्टूबर में आते आते ROC शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपको प्रोफेशन में जरूरत पड़ती रहेगी, ये बैच को हम 6-7 महीने चलाएंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी को सिंगल क्लास में आना है, 500 रुपए देगा हर क्लास में, 10,000 रुपए दे देगा। अभी ये वाली क्लास आई थिंक होली डिस्काउंट में 4950 की मिल रही है, ठीक है ना। तो आप वो चीजें कर सकते हो और हमारी टीम से बात कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज लेने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी होली डिस्काउंट चल रहा है, अगर कुछ लेने का मन है तो अभी लेना, ठीक है, होली डिस्काउंट में आपको सस्ता मिलेगा। सर जी क्या है लिस्ट कॉमन मिस्टेक्स, जो जो मैं बता रहा हूँ उसे लिखते रहो, यही कॉमन मिस्टेक्स है। अब उसकी लिस्ट लेके क्या करोगे, मैंने तो पूरी आपको बैलेंस शीट फाइनल करके बता दी, फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन कब लेते हैं और ITC कब लेंगे प्लीज क्लेरिफाई। हमेशा आप ITC भी लोगे और डेप्रिसिएशन भी लोगे, लेकिन जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो ITC के एलिमेंट पे नहीं करोगे, बस ये चीज ध्यान रखना विनिल जी, ठीक है। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी आ रही। सर वो जैसे भी आपने पीछे जो ग्रुप है हमारा उसमें KG क्लासेस का, उसमें मैडम ने लेक्चर डाला था YouTube का आपका इनकम टैक्स का, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, तो वो उस तरह के लेक्चर कब से स्टार्ट होंगे? अब वो क्या था लेक्चर, मुझे पता नहीं कौन सा लेक्चर था, थोड़ा मुझे स्टार्टिंग था वो भी उसके ऊपर, अभी तो स्टार्टिंग ही था, इंट्रोडक्शन था इनकम टैक्स के। क्या था मतलब, क्या कौन पढ़ा रहा था? मैं पढ़ा रहा था। आप ही पढ़ा रहे थे? आप ही पढ़ा रहे थे। तो मैं क्या पढ़ा रहा था उसमें इंट्रोडक्शन में? यही अभी स्टार्टिंग ही किया था सर, टैक्स कैसे लग रहा है, ये PGBP या उसका बताया था आपने, प्रॉफिट एंड लॉस। हां तो वो वाले लेक्चर क्या होगा, वो वाले जो लेक्चर होंगे मेरे हिसाब से इस महीने वो लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा और क्या कहते हैं वो एडवांस टैक्स में भी नहीं आएगा। वो लेक्चर हम बात करेंगे जब क्या कहते हैं अप्रैल में, जब ITR कर रहे होंगे ना और हेड्स ऑफ इनकम बता रहे होंगे, जैसे ITR 1 बताएंगे तो सैलरी हेड की क्लास कराएंगे, फिर ITR भरवाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो सैलरीज का चैप्टर है पूरा डिटेल में होगा सर, सैलरीज का या सैलरी का चैप्टर जितना जरूरी है, जितना 90% आता है। अब उसमें ये नहीं होगा कार वाला भी ले ले या सारी चीजें भी, जो 90% लोगों की होती है। अब तुम अंबानी की कहने लोगों की अंबानी की सैलरी की बताओ या सुंदर पिचाई की बताओ, वो नहीं होगी, लेकिन जो 80-90% लोगों का होता है वो सब कवर होगा। मैंने दो दो स्पीकर से बात करी हुई है, जैसे प्रैक्टिकल कराएंगे गोविंद सिंगला जी, ठीक है, और थ्योरी कराएंगे जयगुलिया जी, ठीक है ना, और मैं बैठा रहूंगा, ठीक है। आप इस चीज की कैपिटल गेन से ऊपर भी रहेगा? हाँ हाँ, कैपिटल गेन की जब हम ITR बता रहे होंगे उससे पहले कैपिटल गेन पे एक सेशन कराएंगे। सर क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया, ओवरव्यू दे सकते हैं आज आपने क्या पढ़ाया,
सेवन टू एट कुछ भी नहीं पढ़ा, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन वाली बातें करी थी और कुछ ज्यादा सर। इमोबाइल प्रॉपर्टी को रिनोवेट तो क्या उसे फिक्स एसेट्स में बुक कर दे? अरे भाई फिक्स एसेट्स में क्यों बुक करते हो, पीएनएल में डाल दो ना अगर ज्यादा अमाउंट नहीं है तो अच्छा रहेगा। इफ यू क्रिएट अ चेकलिस्ट, देखो मैं क्रिएट नहीं कर रहा कोई चेकलिस्ट, ठीक है। हमारी इस बार की जो मैगजीन है उसमें कुछ चीजें बताई है चेकलिस्ट में, तो जिसने मैगजीन नहीं लिया वो सब्सक्राइब कर लेना, उसमें वो चीजें मिल जाएगी। सर आज का क्लास अच्छा लगा, ऐसे ही कोशिश करूंगा। सर आपने एक बीच में बताया था कि अगर आप एफए हम हाफ ईयर में परचेज करते हैं उसका डेप्रिसिएशन का कुछ बताया था, उसमें सर वो पॉइंट नोट करना रह गया, बताएंगे थोड़ा सा प्लीज? उसमें सिंपल ये पॉइंट नोट कर लो कि जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अगर शुरू के छह महीने में तुम एसेट्स खरीदते हो तो उस पर पूरा डेप्रिसिएशन मिलता है, जैसे 15% है तो पूरा मिलेगा। लेकिन वहां पर एक डेट है 2 अक्टूबर, मतलब 180 डेज का कंसेप्ट होता है। अगर आपने उसके बाद खरीदिया तो वहां पर डेप्रिसिएशन का रेट आधा हो जाता है, ठीक है ना। अरेंज ए वेबिनार फॉर ऑल एडजस्टमेंट एंट्री इन टैक्स, ये इस कोर्स में हो जाएगी ना, तो उसके लिए वेबिनार की क्या जरूरत है यार। वेबिनार का जो कंसेप्ट है वो हम 11 से 1 में संडे को चला रहे हैं, अब हम ये लाइव क्लासेस का कंसेप्ट चला रहे हैं। अनमोल सिंह जी सर 20 लाख है, 20 लाख समझाने में क्या कहना चाह रहे हो? एरियर सैलरी का 10A फॉर्म भी बताएंगे क्या सर विद प्रैक्टिकल? देखो जो भी होगा ना कोशिश करेंगे कि बताएं, ठीक है, जो भी 90% लोगों को जरूरत है, ठीक है। तो आप जितने पैसे आप दे रहे हो ना 5000, अभी तो 4950 दे रहे हो, किसी ने 5500 भी दिए हुए है ना यार, सबके पैसे वसूल होंगे, ठीक है। आगे चल के इसकी फीस भी बढ़ सकती है, हमारी जो चीजें चल रही है उसकी बढ़ सकती है सारी फीस। अगर तो किसी ने लाइव बैच नहीं लिया लाइव ले ले, एनुअल मेंबरशिप भी अगर लेते हो वेबिनार की तो उसमें भी आपको बेनिफिट ही मिलेगा, इतने वेबिनार कराते हैं, मैगजीन में भी आपको पता ही है बेनिफिट मिलता है। तो ऐसा कोई आपको ना, हमारी हमेशा से कोशिश ये रहती है जितना पैसा ले उतनी वैल्यू दे दे, समझ आई मेरी बात? तो अब वाइंड अप करो, ठीक है, मुझे भी थोड़ी सी घर जाना, कपिल से, ठीक है जी। एक क्वेश्चन है तो वो कह रहे थे कि नहीं इसको पेमेंट नहीं करेंगे, इसको ना इनकम दिखा दो इसको, तो क्या कैसे मतलब इनकम कैसे दिखाऊं सर उसके बाद? उसे इनकम दिखा दो, उसकी एक एंट्री मार दो, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू इनडायरेक्ट इनकम, क्रेडिटर रेट सेक्शन 41 पढ़ लेना, ठीक है ना, सेक्शन 41 पढ़ लेना, सेक्शन 41 में ये चीजें हैं, आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी वाइंड अप कर रहा हूं मैं, ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, मॉर्निंग में मिलते हैं सर, हाँ मॉर्निंग में मिलते हैं 11 से 1 में और 3 से 7।